कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे। चलो जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ सभी, क्योंकि आज का हमारा फाइनल टॉपिक है, बट थोड़ा अजीब सा भी है। जानवर जैसा एक जो घरों में मिलता है और तंग करता है, काफी लोगों की चिल्लियाँ निकाल देता है ये, है ना? काफी लोगों को तंग करता है ये। ऐसा एक एनिमल है जो कि आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट से हमारा बिलोंग करता है, नन अदर देन और प्यारा कॉकरोच। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो ताकि हम लोग आगे की बात कर सके। आज थोड़ा सा गला खराब है, जैसे कि आप सुबह वाली क्लास में भी देखा होगा बच्चों, तो ज्यादा ज्यादा तेजी से नहीं बोल पाऊंगा, बट अगर कोई डाउट है क्लास के बीच में पूछ लेना। अभी तक जितना भी कराया है उसके बारे में पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर होगा। जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो कौन कौन लाइव आ चुका है, कौन कौन अभी देख रहा है, इतने हम अपडेट कर देते हैं टेलीग्राम पे दैट वी आर लाइव। ठीक है, ताकि सभी बच्चे आ सके। चलो सभी बच्चे आ जाओ यार, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो सभी सभी जल्दी जल्दी बच्चे आ जाओ, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। कौन कौन बच्चा आ चुका है यार, डिले भी नहीं है। चलो चैट में बताओ बच्चों, देखो चैनल सब्सक्राइब कर लेना आप, विदाउट चैनल सब्सक्राइब आपका चैट नहीं दिखाता है मेरे को। तो काफी बार मैंने एक दो बच्चों से बात करी, वो लोग यही बोलते थे कि सर हम तो मैसेज कर रहे थे, आपके पास नहीं आ रहा था। तो चैनल सब्सक्राइब करना होता है बच्चों। ठीक है, और एक्साइटमेंट है तो पहले से लाइक कर दो, नहीं तो बाद में मजा आएगा, बीच में कर देना आपकी इच्छा है। ठीक है, आ जाओ जल्दी आ जाओ, कुछ कमेंट्स आपको दिखा नहीं रहा है, अभी कमेंट्स आने शुरू हो जाए। चलो 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 आ जाओ। चलो, तो जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा मेरा नाम चिराग जैन है और मैं MBBS सेकेंड ईयर कर रहा हूँ, अभी सेकेंड ईयर के अंदर हूँ, और मैं IMS BHU के अंदर बहुत प्राउडली बोलता हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर अभी हूँ, क्योंकि मैंने नीट 2019 में 645 मार्क्स अचीव किए थे। यहाँ पे 1254 मेरा रैंक था और EWS मेरा कैटेगरी यहाँ पे लगा था, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था। चलो अभी आया, हाय चंदन, हेलो लीजा, हेलो इंद्रजीत। चलो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सुमित, निधि, गुड इवनिंग, लीजा, गुड इवनिंग। चलो बच्चों, अगर लैग आए कहीं पे तो बताना। ठीक है, वैसे मेरे को लग रहा है कि हल्का सा इंटरनेट प्रॉब्लम है, आ सकता है लैग, बट स्टिल बी विद अस। ठीक है, हमारे साथ बने रहे, अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले कॉकरोच के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, देखो यहाँ नहीं आता है, नॉकचर्नल के ऊपर नहीं आता है, सबको पता है। देखो रात में घूमते हैं कॉकरोच, आपके घर में भी आपने रात में ही देखे होंगे, दिन में तो नहीं देखे होंगे। ठीक है, ओमनीवोरस होते हैं, अंडे देते हैं, सबको पता है कॉकरोच के अंडे देते हैं, नहीं तो हम आगे रिप्रोडक्शन में बढ़ने वाले हैं। फिर एक अगला नाम आता है कर्सोरियल, मतलब क्या है, टांगों से चलते हैं। कितनी टांगे होती हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं। ठीक है, तो ये टांगों से चलते हैं। ठीक है बच्चे, हेलो हेलो साजिद, हेलो सौरेश। चलो फिर उसके बाद ये जो है ना जनरल इन्फो में, ये क्या है, जनरल इन्फो है जो कि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि ना यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट आता है एनिमल किंगडम का। ठीक है, बट वो खत्म हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है इन बातों के ऊपर। कैसे, किंगडम आपको पता है एनिमल है, फाइलम आपको पता है आर्थ्रोपोडा, काफी बार क्वेश्चन आता है आर्थ्रोपोडा के ऊपर, तो आर्थ्रोपोडा के कुछ कैरेक्टर्स हैं वो इसमें तो होंगे कॉकरोच में। अगर आपने कॉकरोच अच्छे से पढ़ा है तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व। फिर आता है इंसेक्टा, इंसेक्टा क्या है, इंसेक्ट है। फिर आता है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ये इसका साइंटिफिक नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है। इतना आपको पता लगा कॉकरोच के बारे में कि किंगडम के है, किंगडम एनिमिला, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फिर उसके बाद इंसेक्टा, पेरीप्लेनेटा, नॉक्चरनल मच्छे रात में घूमने वाले, जो रात में मिलते हैं ना, डायरनल होते हैं और एक होते हैं नेक्चरनल, नॉक्चरनल एनिमल्स। जैसे कि आप, अगर आप, जैसे मैं बहुत स्टूडियस था, ठीक है, रात में बहुत पढ़ता था, तो मेरे को नॉक्चरनल बोलते थे, मेरे जो टीचर थे, जो मेरे फैकल्टीज थे, वो सब यही बोलते थे, तू नॉक्चरनल है, क्योंकि सुबह में बेचारा ऐसा होता था कि लाइक आंखों में नींद है, फिर भी मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, फिर घर जाता था, फिर सोता था। ठीक है, तो नॉक्चरनल था, नॉक्चरनल मतलब रात में एक्टिव होने वाले। ठीक है, आपने कभी किचन वगैरह में देखा होगा तो जनरली रात में मिलता है कॉकरोच। कहाँ कहाँ मिलता है आपने देखा होगा, हल्का सा गर्म हो, हल्का सा डैम्प, हल्का सा मॉइस्चर हो, मतलब समझ रहे हो कैसा, कि सिंक, आप सिंक का जो पाइप होता है
जो आपने टीवी में एड देखा, जो हिट वगैरह डालते हैं सिंक के पाइप के अंदर डालते हैं, उसका रीजन क्या है? यही है बच्चे रीजन, कि वो ऐसा हल्का सा गर्म रहे और डैम्प प्लेस हो, ऐसी जगह रहना पसंद करता है। ठीक है, फिर आता है बच्चों जनरल के अंदर, अगर बात करते हैं मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो क्या क्या इसकी आपको शेप पता होनी चाहिए, साइज पता होना चाहिए, कलर पता होना चाहिए। अब ये जो कलर है ना, बहुत एम्यूज करता है, क्यों बच्चे? कलर रेडिश ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, पेल येलो होता है, ग्रीन होता है, और इवन रेड भी होता है। ये तो हमने कभी देखे ही नहीं है, ये दो कलर ही तो देखे हैं हमने, बट नहीं बच्चे, मैंने ये रेड वाला और ये ग्रीन वाला, ये दोनों कॉकरोच देखे हैं। ये ग्रीन वाला तो मैंने शायद इधर ही यूनिवर्सिटी में भी देखा है, और ये जो रेड वाला है ये मैंने देखा था जब जम्मू एंड कश्मीर में वैष्णो देवी, अगर सुना होगा उधर टेम्पल पे गया था तो उधर मैंने रास्ते में कॉकरोच देखा था। अब शेप की बात आती है, शेप कैसा है? पतला सा, देखो अगर आपने कॉकरोच देखा होगा, यहाँ हमारे कॉकरोच भैया दिख रहे हैं कैसे हैं, नैरो हैं, इलोंगेटेड है, एंड ये सिमेट्री, ये एनिमल किंगडम का कंसेप्ट है, ये आपका एनिमल किंगडम का कंसेप्ट है, यहाँ पे ये एनिमल किंगडम से रिलेटेड है। ठीक है, जो सिमेट्री का कंसेप्ट आता है, तो जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें जनरली कौन सा सिमेट्री मिलता है, बायलेटरल सिमेट्री मिलता है, तो हमारा जो कॉकरोच है उसमें भी बायलेटरल सिमेट्री मिलता है। फिर उसके बाद आता है साइज, साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्या है भैया कि जो साइज में इतना एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि साइज अलग से, साइज में याद रखना बच्चों ऐसे एंटीने निकले होते हैं, क्या होता है एंटीने निकले होते हैं, टांगे होती हैं, एक फ्लैट एक्सटेंशन होता है अपर बॉडी का जिसको हम बोलते हैं नेक, जहाँ पे क्या होता है हेड होता है, ये जो एक्सटेंशन है इसको हमने क्या बोला हेड है, यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन है इसको हमने क्या बोला बच्चे हेड है। फिर साइज जब हम नॉर्मल देखने लगे तो इसके बहुत सारे साइज लिखे हैं, तो ध्यान से देखना बच्चे, सबसे पहला साइज लिखा होता है एनसीईआरटी में कि इसका साइज है 1/4 इंच से लेकर 3 इंच तक, मतलब क्या है 0.25 इंच से लेकर 3 इंच तक है, बट इसी को जब वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता है तो बोलता है बच्चों 0.6 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर तक है। ठीक है, बट उसके बाद एक और बात लिखता है, यहां पे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करोगे तो कितना आएगा 6 और 76, बट ये पेरीप्लेनेट अमेरिका के बारे में लिखा है बच्चों 34 से लेकर 50 तक होता है, तो टोटल 3 साइज लिखे हैं, क्या क्या 1/4, 2, 3, फिर लिखा है पेरीप्लेनेट के बारे में 34 से 53, और तीसरा लिखा है 0.6 से लेकर 7.6 तक, तो ये टोटल 3 साइज हैं जो आपको पता होने चाहिए, सॉरी ये 3 साइज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलो फिर उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है, जो मेल कॉकरोच होता है उसके अंदर जो विंग्स हैं वो पीछे जाते हैं टिप के, देखो ये जो टिप है ये एब्डोमिनल टिप है, अगर इसके विंग्स उसके पीछे जाए तो वो मेल है नहीं तो फीमेल है। अच्छा थोड़ा साइड करें, दिख नहीं रहा है, ये लो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो मैं ये भेज दूंगा, बहुत सारे नोट्स हैं जो कि मैं इकट्ठे भेजने वाला हूँ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मैं नोट्स भेज देता हूँ और आप लोग ऐसे निकाल देते हो, तो मैं इकट्ठा पूरे लेक्चर के नोट्स आज फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, चलो चलो आगे देखते हैं, अभी देखते हैं एक्सोस्केलेटन के बारे में, व्हाट इज एक्सोस्केलेटन? एक्सोस्केलेटन होता है जो बाहर एक आपका स्केलेटन प्रेजेंट होता है, हमारा क्या है एंडोस्केलेटन है, जो हमारी बोन्स है कार्टिलेज है वो सब एंडोस्केलेटन है, बट ये क्या है बच्चों एक्सोस्केलेटन है। तो एक्सोस्केलेटन के बारे में देखते हैं, तो एक्सोस्केलेटन में जब देखेंगे तो ये बच्चों नॉन लिविंग है, ब्राउन कलर का होता है, क्या है नॉन लिविंग और ब्राउन कलर का होता है, जो कि क्या होता है बच्चों हार्ड जॉइंटेड काइटिनस होता है, क्या क्या हार्ड जॉइंटेड एंड काइटिनस होता है, किस चीज से बना होता है ये पूछा जाता है, सेवरल पेट से बना होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्लेराइट्स, इन स्क्लेराइट्स को भी ना अलग अलग नाम दिया जाता है कि कहां पे प्रेजेंट है, तो जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं बच्चे वेंट्रल, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं वेंट्रल, ठीक है वेंट्रल पोर्शन बोलते हैं, और जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं डोर्सल, ठीक है, और जो साइड वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल, तो डोर्सल टर्गाइट्स होते हैं, वेंट्रल स्टर्नाइट्स होते हैं, और लेटरल प्लूराइट्स होते हैं, या फिर प्लूरा टर्गम स्टर्नम ये सब बोलते हैं। अब क्वेश्चन जब आएगा आपके ऊपर, यहां से आएगा क्वेश्चन अगर आएगा तो इसके ऊपर आता है, और बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है, क्यों? क्योंकि जब एनिमल किंगडम पढ़ो जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे
तो वहां पे एक मेम्ब्रेन आता है, अर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो ये जो एग्जोस्केलेटन है इसको बाइंड करके रखता है। सॉरी बच्चों, थोड़ा तबीयत खराब है उसकी वजह से। तब तो बात आती है बच्चे एग्जोस्केलेटन की, तो ये किस चीज से बना होता है? तो एग्जोस्केलेटन इज फॉर्मड बाय, किस चीज से बना है ये पता होना चाहिए। देखो यहाँ डायग्राम बनाया है, डोर्सल वेंट्रल ये सब, क्यू पर टर्गम है, साइड में प्लूरा है, नीचे स्टर्नम है, ठीक है। तो क्या है बच्चों, सरफेस लेयर या फिर जो क्यूटिकल है ये पूरा जो है ये एग्जोस्केलेटन बना देता है। अब एग्जोस्केलेटन के बारे में बता चुका हूँ, नॉन लिविंग है, ब्राउन है, हार्ड है, जॉइंटेड है और काइटेनस है। ये सारी बातें हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद जो अगला कंसेप्ट आता है वो आता है डिवीजन ऑफ बॉडी। तो डिवीजन ऑफ बॉडी में तीन पार्ट होते हैं बच्चों, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। जैसे हम में क्या होता हैड, थॉरेक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, ये रीजन होते हैं। बट इनमें क्या हैड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, सिर्फ ये तीन रीजन है। तो हेड के अंदर देखते हैं कि हेड के अंदर क्या लिखता है एनसीईआरटी हमारा, क्या लिखता है हेड के अंदर। लिखा गया है बच्चों कि ये जो हेड है वो ट्राइंगुलर होता है। हेड कैसा है बच्चों? ट्राइंगुलर। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ कॉकरोच भैया, हेड कैसा है? ट्राइंगुलर। हेड कैसा है बच्चों? ट्राइंगुलर। तो हेड तो हो गया भैया ट्राइंगुलर, और ये लाइज करता है एंटीरियर टू, ठीक है, एंटीरियर टू 90 डिग्री या फिर राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ये सपोज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो जैसे ये कॉकरोच का बॉडी है तो इसका हेड रहता है ऐसे नीचे की तरफ रहता है, तो ये 90 डिग्री ऐसे बनाता है, ये 90 डिग्री हुआ, तो ऐसे नीचे की तरफ माउथ होता है। तो आप ये देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, या फिर आप कहीं डायग्राम देखेंगे या फिर कॉकरोच को लाइव देखेंगे तो बहुत अच्छे से पता चलेगा कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो होता है उसके 90 डिग्री उसका हेड होता है। अब इंपॉर्टेंट जो बात है ये है, क्वेश्चन जहां से आ सकता है क्या, कि ये जो होता है ये 6 सेगमेंट से मिलके बना होता है, बट बच्चों में होता है, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होती है तो यहाँ पे 6 सेगमेंट्स होते हैं, पर जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो एडल्ट बन जाता है, तो एडल्ट में सिर्फ एक ही रहता है। समझ आया कुछ? सपोज एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट, चार सेगमेंट, पांच सेगमेंट, छह सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट है। ये किसमें? एम्ब्रियो में। बट ये तो लॉन्गिट्यूडनल बनाया है ऐसा नहीं होता है, बस इमेजिनेशन के लिए बता रहा हूं। फिर बाद में क्या हुआ बच्चों, अडल्ट के अंदर एक सेगमेंट बन गया, एक सिंगल, इसको हमने बोला अडल्ट के अंदर एक सिंगल सेगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि पहले कितना सेगमेंट था, बाद में कितना सेगमेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। फिर आता है आईज और एंटीने। ये क्या है बच्चों? अपेंडिजेस हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ऑन हेड, जो सर है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या? आई और अपेंडिजेस। तो आप सबसे पहले हम आई के बारे में पढ़ते हैं। आई क्या क्या होता है बच्चों? आई जो है कंपाउंड आई होता है, आई जो है कंपाउंड आई है, पेयर्ड है, ब्लैक है और किडनी शेप्ड है। क्या क्या है बच्चों? कंपाउंड आई है, पेयर्ड है, ब्लैक है, किडनी शेप्ड है। फंक्शन क्या है? साइट या फिर विजन, मतलब देखने के काम आता है, फंक्शन इसका साइट या फिर विजन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बच्चों, यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बता देना, ठीक है। उसके बाद बात आती है बच्चों एंटीने के बारे में। फिर बात आती है किसके बारे में? एंटीने के बारे में। तो एंटीने क्या होता है? एंटीने लॉन्ग सिलेंडर मल्टी सेगमेंटेड पेयर्ड, मतलब क्या हुआ? लॉन्ग है, लंबे एंटीने हैं, सिलेंडर हैं, पतले से हैं, बट मल्टी सेगमेंटेड है, ऐसे सेगमेंट से बने हैं, ठीक है। एंटीने ऐसे मल्टी सेगमेंटेड हैं, और क्या है? दो हैं, ठीक है। तो दो एंटीने मतलब पेयर्ड है। फिर उसके बाद जो कि कहाँ से अराइज होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये अराइज होता है मेम्ब्रेनस सॉकेट से, बट आईज के आगे से। जब हम डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है, जब हम डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या है ये, कि मेम्ब्रेन है सॉकेट के फ्रंट ऑफ आई से ये ओरिजिनेट करता है। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन पूछा जाता है, फंक्शन है इसका टच। टच क्या है बच्चों? टेक्टाइल रिसेप्टर। क्या है? टेक्टाइल रिसेप्टर। इसका ऑल्फेक्शन या फिर स्मेल में, अब समझ रहे हो। इसके जो एंटीने हैं वो सूंघने में भी मदद करते हैं। ये जो एंटीने आपने कहीं सुना है कि मतलब स्मेलिंग में हेल्प कर रहे हैं, ऑल्फेक्शन में हेल्प कर रहे हैं? नहीं, बट यहाँ कॉकरोच के अंदर ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि
क्योंकि कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं बच्चे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोला जाता है। तो आपको कितना याद हुआ बच्चों, अगर हमने आई और एंटीना के बारे में पढ़ा, तो आई तो कंपाउंड आई है, पेयर्ड है, ब्लैक है, थोड़ा किडनी शेप्ड है, देखने का काम आता है। जो एंटीने हैं लंबे हैं, पतले हैं, मतलब सिलेंडर है, बहुत सारे सेगमेंट से मिलके बने हैं, दो हैं, इसका मतलब पेयर्ड है। एक मेम्ब्रेन सॉकेट होता है आई के आगे, जहां से ओरिजिनेट कर जाते हैं और दो काम करते हैं, छूने के मतलब टेक्टाइल रिसेप्टर होता है, टच पता चल जाता है उनको, और ऑल्फेक्शन मतलब सूंघने का काम आ जाता है, क्योंकि वहां पे स्मेल के लिए रिसेप्टर होते हैं, कुछ ऑल्फेक्शन रिसेप्टर होते हैं। सिंपल सा बात है। अब आते हैं बच्चे माउथ पार्ट के। अगर सिर्फ और सिर्फ आपसे माउथ पार्ट पूछा जाए तो माउथ पार्ट क्या है, माउथ पार्ट बोला जाए तो माउथ जो प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया ना कि ऐसे ये ऐसे है तो ये 90 डिग्री बनाता है ऐसा माउथ, ठीक है। अब 90 डिग्री बना रहा है तो जो हेड और जो माउथ पार्ट है वो नीचे की तरफ होंगे, ऐसे होगा ना, जैसे सपोज ये कॉकरोच है, ये सपोज कॉकरोच है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इसका हेड है, तो यहाँ पे इसका माउथ पार्ट होगा। तो ये जो माउथ पार्ट है बच्चों, ऐसा जो 90 डिग्री की तरफ नीचे की तरफ होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोग्नैथस। इसको क्या बोलते हैं? हाइपो मतलब नीचे, ग्नैथस हाइपोग्नैथस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाइपोग्नैथस इसको बोला जाता है। तो इसका फंक्शन क्या होगा? चलेगा तो खाना ढूंढेगा और खाना खा पाएगा। उनका काम क्या है? खाने को ढूंढना और खाने को खाना, मतलब सर्चिंग एंड टेकिंग ऑफ फूड, ठीक है। अब फिर टाइप, ये क्वेश्चन है बच्चों, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। किस टाइप के टीथ्स हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के, ठीक है। बाइटिंग एंड च्यूइंग मतलब खाना काट के और चबा के खाते हैं, ठीक है। अब जब माउथ पार्ट्स की बात आती है तो एनसीईआरटी में लिखा गया है 5 माउथ पार्ट्स होते हैं। हमारी तरह ही होता है, अपर लिप, लोअर लिप, ठीक है। फिर उसके बाद टीथ होते हैं, कुछ टीथ होते हैं, कुछ अपर वाले नीचे वाले टीथ होते हैं। फिर उसके बाद एक टंग होती है। तो ये सिंपल सी बात। अब अपर लिप है उसको बोल रहे हैं लैब्रम, ठीक है, और जो नीचे वाला लिप है इसको बोल रहे हैं लेबियम। तो क्या बोल रहे हैं? अपर लिप को क्या बोल रहे हैं? लैब्रम। लोअर लिप को क्या बोल रहे हैं? लेबियम। ऊपर वाले टीथ को क्या बोल रहे हैं, जो कि पेयर्ड है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैंडिएबल, और जो नीचे वाले हैं उसको हम बोलते हैं मैक्सिला, ठीक है। हमारे यहाँ उल्टा होता है, जो नीचे वाला बोन होता है इसको हम मैक्सिला, ऊपर मैंडिएबल होता है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ऊपर वाला मैक्सिला होता है, नीचे वाला मैंडिएबल होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आपका टंग है उसको हम बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे है इसलिए उसको हाइपोफेरिंग्स नाम दे दिया गया है। आई गेस बच्चे आपको, आपके मेरे को कमेंट दिख नहीं रहे हैं, अगर आपने कुछ पूछा है तो, ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। चलो अगर कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लो बच्चों, और अगर अगर हल्का सा भी ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ गड़बड़ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो माउथ पार्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो मेन चीज देखते हैं ऊपर, ये बहुत सिंपल डायग्राम है, ये जो है सिंपल डायग्राम है जो कि मैंने आपको लिया, ये एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी का बहुत गंदा सा है। तो ये सिंपल डायग्राम देखो पहले, ये क्या है बच्चों? मैक्सिला है, ये आपको क्या दिख रहा है? मैक्सिला है। ये क्या है? मैक्सिलरी बल्ब, 1 2 3 4 5। जो मैक्सिलरी बल्ब है ये पूछा जाता है कितने सेगमेंट का है? 5 सेगमेंट का। लेबियल बल्ब 1 2 3, मतलब 3 सेगमेंट का, ठीक है। और लेबियम के ऊपर अपर है लैब्रम। ये वाला, ये जो टीथ है इसको हम बोलते हैं मैंडिएबल। और आपसे ना यहाँ पे पूछा जाता है कुछ, ये जो मैंडिएबल वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग एंड इंसाइजिंग रीजन। ये एक बारी देख लेंगे, ग्राइंडिंग इंसाइजिंग रीजन कुछ होता है, ये एक बारी देख लेंगे, अगर किसी को कोई परेशानी है तो बताओ। फिर आता है थोरिक्स का। देखो जब माउथ पार्ट हम बहुत ज्यादा डिटेल में इतना देखना नहीं होता है, बट नॉर्मल जब एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर जब हमने हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था हेड, फिर हमने पढ़ा थोरिक्स, फिर हमने पढ़ा एब्डोमेन, ठीक है। फिर जब हम हेड पढ़े तो इसमें पहला स्ट्रक्चर पढ़ा एंटीने, दूसरा आई
और तीसरा अभी हमने क्या पढ़ा बताओ, हार्ट स्ट्रक्चर क्या था अभी अभी हाल ही में पढ़ के आए हैं, जल्दी से बताओ। हेड में क्या होता है हमारे भी, जो मैंने लिप वगैरह से कंपेयर किया था, चैट बॉक्स में लिखो माउथ पार्ट क्या होता है बच्चों, माउथ पार्ट होते हैं। तो ये हमने पार्ट पढ़ा, अभी हम पढ़ रहे हैं थोरेक्स। ठीक है, तो मैंने हेड में एक चीज बताई थी कि 6 सेगमेंट बच्चे में होते हैं और बड़े में होता है एक, बट यहाँ थोरेक्स में क्या होता है बच्चों, तीन बच्चों में होता है और तीन बड़ों में होता है, एम्ब्रियो में भी तीन होता है, एडल्ट में भी तीन होता है। अब ये जो तीन सेगमेंट्स हैं इनका नाम क्या क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है बच्चों प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। क्या क्या? प्रो, मीजो एंड मेटा। अब थोरेक्स के सेगमेंट है इसीलिए थोरेक्स लगा दिया। अब ईच पार्ट या फिर सेगमेंट, हर एक जो पार्ट है या फिर सेगमेंट है उसके अंदर एक पेयर ऑफ लेग होता है, एक पेयर ऑफ लेग होता है। तो मैंने बताया सेगमेंट, सेगमेंट के अंदर होता है लेग। ठीक है, लेग कितना होता है बच्चों, तीन पेयर होता है, तीन पेयर, तीन सेगमेंट्स हैं तो तीन पेयर होगा। ठीक है, तो तीन पेयर के अंदर जो नेम होगा उनका कैसे होगा, जो प्रोथोरेक्स है, मीजोथोरेक्स है, मेटाथोरेक्स है, तो नाम क्या होगा, प्रोथोरेसिक लेग, मीजोथोरेसिक लेग, मेटाथोरेसिक लेग। तो टोटल तीन टाइप के लेग्स होते हैं। ठीक है, फिर आता है विंग्स, ये इंपॉर्टेंट है, विंग्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये थोड़ा ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड क्यों है बच्चों, यहाँ दो पेयर ऑफ विंग्स ही होता है। अब देखो मैंने तीन सेगमेंट बताए, प्रो, मीजो, मेटा, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं लेग प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, विंग एब्सेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। तो दो ही विंग्स बताए मैंने, मीजो थोरेसिक और मेटा थोरेसिक, तो दो ही विंग्स हैं। ठीक है, दो ही विंग्स हैं, तो बस इतना ही याद। अब विंग्स के अगर बारे में बात करा जाए तो कैसा कैसा होता है, मीजो थोरेसिक और मेटा थोरेसिक इसके बीच में पूछा जाता है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो देखो ये होता है बच्चों थिक लेदरी, जो मीजो थोरेसिक विंग होता है थिक और लेदरी होता है, मेटा थोरेसिक विंग जो होता है थिन और डेलिकेट, मतलब समझ रहे हो, एक थिक है एक डेलिकेट है। बच्चे उसके ऊपर भी आऊंगा आशुतोष, उसके हेड के अंदर जो होता है उसका पूरा नर्वस सिस्टम नहीं होता है, जरा सा नर्वस सिस्टम होता है, तो जब उसका हेड कट भी कर दिया जाता है तो नहीं, मतलब कुछ नहीं होता है उसको। तो एक चीज और आता है, अगर न्यूक्लियर वेपन, अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाए, ऐसा माना जाता है पूरे अर्थ के ऊपर अगर न्यूक्लियर वेपन गिरा दिया जाए तो वहां पर कोई जिंदा बचेगा तो दैट विल बी यार प्यारा कॉकरोच, तो वहां पे कॉकरोच होगा। ठीक है, तो विंग्स है मीजो और मेटा। तो मीजो थोरेसिक विंग जो था बच्चों उसमें थिक लेदरी, मेटा थोरेसिक थिन और डेलिकेट। तो जो थिक लेदरी होगा वो कवर करके रखेगा, थिन और डेलिकेट है वो थोड़ी ना बाहर आएगा, जो थिक है वो बाहर रहेगा, तो ये ओपेक होता है। ठीक है, तो ओपेक है और साथ में क्या है बच्चे, डार्क कलर होता है। ये क्या है, डार्क कलर होता है, हल्का सा नैरो होता है लास्ट की, मतलब डिस्टल पार्ट में हल्का सा नैरो होता है, बट ऐसा कोई फीचर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बड़ा होता है, ये स्मॉलर होता है। अब देखो भारी सा विंग है तो क्या वो उड़ने में हेल्प कर पाएगा, नहीं, तो ये फ्लाइट के लिए हेल्प नहीं करता। बट ऐसे विंग्स जो कि फ्लाइट में हेल्प कर रहे हैं, जिसका क्या नाम है, मेटा थोरेसिक विंग, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये जो मीजो थोरेसिक विंग है इसको हम तीन नामों से और जानते हैं, विंग कवर, टगमीना, इलेट्रा। ठीक है, तो तीन नाम और है इसका जो नीचे लिखे गए हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाली लाइन में, यहाँ पे जैसे इलेट्रा दिख रहा है ना आपको, तो ये तीन है, विंग कवर, टेगमीना और इलेक्ट्रा, तो ये तीन नाम हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलो आगे देखें बच्चे, मुझे आप लोगों का चैट देखने में पता नहीं बड़ा इशू आता है यार, लाइव तो बिल्कुल सही चल रहा है गैस, 2 मिनट दो, एक बारी मैं चैट बॉक्स आपका ओपन कर रहा हूँ, मैं पानी भी पी लूँ, गला खराब है तो गर्म पानी पी रहा हूँ, किसी बच्चे ने एडवाइस किया था मेरे को पानी पीने के लिए। चलो एब्डोमेन, देखो एब्डोमेन की बात आती है तो पोस्टीरियर रीजन, ठीक है,
बच्चे टेगमीना के ऊपर कोई सब्सटेंस नहीं, उसके ऊपर आके ना डिपोजिट हो जाता है, जो उसका वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना वही आके डिपोजिट होता है। तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी में सभी बातें लिखी गई हैं, जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे आगे आगे आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलता जाएगा, घबराओ मत, कुछ भी नहीं छूटने वाला है आपका, ठीक है। तो उसके बाद जो अगला आता है बच्चों एब्डोमेन में, तो इसका जो पोस्टीरियर रीजन है उसको हम बोलते हैं एब्डोमेन, जो इसका पोस्टीरियर रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं एब्डोमेन बोलते हैं, क्योंकि ब्रॉडर होता है थोरेक्स, थोरेक्स से हल्का सा चौड़ा होता है, और वेंट्रली फ्लैट, वेंट्रली क्या है नीचे की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैट होता है। फिर उसके बाद जो सेगमेंट की बात आती है बच्चों, तो यहाँ पे सेगमेंट होते हैं 11/10, ऐसे लिखता हूँ मैं, एम्ब्रियो में 11 है और अडल्ट में 10 है, ठीक है, तो ऐसे ये सेगमेंट्स हैं। तो अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने लिस्ट बना रखी है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्या कि पोस्ट एंड पे कुछ अपेंडेजेस होते हैं, एक होता है एनल सरखा, एनल सरखा होता है दोनों में। अब लड़के ना ज्यादातर स्टाइल मारते हैं, ठीक है, बाल वगैरह सेट करके घूमते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लड़के जनरली स्टाइल मारते हैं, तो मैंने ऐसे याद किया एनल स्टाइल मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर होता है मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और फिर उसके बाद होता है एक गोनापोफाइसिस, एक सेक्सुअल जब हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे एक स्ट्रक्चर होता है गोनापोफाइसिस जो कि प्रेजेंट होता है दोनों के अंदर, ठीक है, गोनापोफाइसिस प्रेजेंट होता है दोनों के अंदर, ठीक है। फिर एक होता है एब्डोमिनल एपरेचर्स होते हैं कुछ, ठीक है, एब्डोमिनल एपरेचर्स होते हैं एनस एंड जेनिटल एपरेचर, तो ये दो एपरेचर्स हैं आपको याद रखना है, एनस और जेनिटल एपरेचर, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बच्चों पोस्ट एंड अपेंडिजेस के बारे में, पोस्ट एंड अपेंडिजेस के बारे में देखते हैं, तो पोस्ट एंड अपेंडिजेस में क्या आता है एनल सरखा है, एनल स्टाइल और गोनापोफाइसिस। एनल स्टाइल क्या बताया बच्चों मैंने, मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, कहाँ होता है मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो यहां देखो बच्चों, यहां देखो, हेलो राजीव कैसे हैं आप, यहां दिख रहा है फीमेल कॉकरोच के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनल सरखा ही दिख रहा है, बट यहाँ पे क्या है बच्चों ये जो मेल है इसके अंदर ये क्या है एनल स्टाइल भी प्रेजेंट है और ये एनल सरखा है, तो अगर आप किसी कॉकरोच को देखो और उसको उल्टा करके देखोगे ना, कभी हिम्मत हो, लड़कों के अंदर तो बहुत करते हैं ये ऐसे छेड़खानी, तो अगर वो उल्टा करके देखोगे तो आप मेल और फीमेल बता सकते हो कैसे, एनल सरकाए और एनल स्टाइल्स है, ठीक है। तो अब एनल इसके बारे में देखते हैं, एनल सरकाए के बारे में देखते हैं, एनल सरकाए क्या होता है पेयर्ड होता है, हमने देखा कि दो एनल सरकाए ऐसे निकल रहे थे, ठीक है, और क्या होता है ज्वाइंटेड आउटग्रोथ्स होती हैं जो कि 10th टेरगम से निकलती है। तो क्वेश्चन आता है ये, हेलो फातिमा कैसे हो आप, तो क्वेश्चन आता है बच्चों कि जो टर्गम है वहां से क्या निकलता है, ठीक है, 10th टर्गम से निकलता है एनल सरका, लंबा होता है और थिक होता है, बट किस चीज के लिए है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि सेंसिटिव होता है टच से और वाइब्रेशन के लिए, किसके सेंसिटिव होता है टच एंड वाइब्रेशन के, तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर एनल स्टाइल मेल के अंदर पता लग गया, पेयर्ड होता है ये पता लग गया, पतले होते हैं, देखो एनल सरकाई कितने मोटे हैं और जो एनल स्टाइल है कितने पतले से हैं, तो एनल स्टाइल जो होते हैं पतले होते हैं और एनल जो सरकाई हैं थिक होते हैं, जॉइंटेड नहीं है, देखो यहाँ पे जॉइंटेड दिख रहा है आपको हल्का सा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे 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 दिख रहा है, मतलब क्या है जॉइंटेड दिख रहा है, ठीक है, बट ऐसा नॉर्मल आपको इसमें दिखता नहीं है, ठीक है, एनल स्टाइल के अंदर नहीं दिखता है, छोटे होते हैं पतले होते हैं ये पता है, और ये प्रोजेक्ट करते हैं पीछे की तरफ, ये देखो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं साइड की तरफ, और ये जो एनल स्टाइल है बाहर की तरफ निकल रहा है, वो सॉरी एनल सरकाए जो है बाहर की तरफ निकल रहे हैं और ये जो एनल स्टाइल है पीछे की तरफ निकल रहे हैं, अगर बॉडी ऐसे है तो एनल स्टाइल ऐसे है, मतलब पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये डायग्राम ऐड किया था, क्योंकि अलग से एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया नहीं है कहीं पे, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है, और कहां से निकलता है ये इंपॉर्टेंट है, ये निकलता है बच्चों 10th 9th स्टर्नम से, कहां से निकलता है 9th स्टर्नम से। फिर थर्ड जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है बच्चों गोनापोफाइसिस, थर्ड स्ट्रक्चर है गोनापो थर्ड स्ट्रक्चर है गोनापोफाइसिस जो कि प्रेजेंट होता है दोनों सेक्सिस के अंदर, बट ये क्या है बच्चों जेनाइटल एपरेचर होता है, हमारे में भी जो जेनाइटल
जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये जेनाइटल एपरेचर होता है जो जो कि सराउंड होता है, ठीक है, जेनाइटल एपरेचर सराउंड होता है स्क्लेराइट से, ठीक है। तो गोनापोफाइसिस एक्चुअली है क्या? स्क्लेराइट्स हैं। क्या है बच्चों? स्क्लेराइट्स हैं, ठीक है। और ये जो गोनापोफाइसिस, इनको हम बोलते हैं फेलोमियर्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? फेलोमियर्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है बच्चों एब्डोमिनल एपरेचर्स आते हैं, ठीक है। अब एब्डोमिनल एपरेचर्स में मैंने ये तो आपको पढ़ा दिए, पोस्ट अपेंडिजेस वाले आपको पढ़ा दिए तीन, सॉरी तीन। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं एब्डोमिनल एपरेचर। यहां पे कितने हैं? दो। एक एनस है जो कि कहाँ होता है? टेन सेगमेंट होता है बिलो टर्गम, ठीक है, जहां से वेस्ट मैटर निकलेगा। तो ये जो है लास्ट सेगमेंट भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे लास्ट सेगमेंट है ना, ठीक है। एब्डोमेन में टोटल 10 ही तो सेगमेंट होते हैं, और दोनों में प्रेजेंट होगी एनएस है, क्योंकि वेस्ट वाटर निकाल, वेस्ट मटेरियल निकालना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे, बलबन गुड इवनिंग, बलबन गुड इवनिंग, स्पैम करने की जरूरत नहीं है, गुड इवनिंग, ठीक है। तो जब जेनाइटल एपरेचर की बात आती है, तो जेनाइटल एपरेचर के जब हम बात कर रहे होते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे है और किस किस चीज से बन रहा है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं मेल की, ठीक है, जब हम बात करते हैं मेल की, यहाँ पे लिखो मेल की, जब हम बात करते हैं तो ये होता है बिलो द एनस, एनस के नीचे है। एनस कहाँ होती है? टेंथ टर्गम से। तो बिटवीन, बट ये बिटवीन होता है, मतलब नाइन्थ एंड टेंथ, नाइन्थ स्टरनाइट और टेंथ टर्गाइट। देखो यार कंफ्यूज मत होना, जैसे सपोज ऐसे बॉडी है, ऐसे राउंड बॉडी, अगर हम ऐसे कट कर दें उसको बीच में से और उसको देखें ऐसे, सपोज ये सॉसेज जैसा मेरा कॉकरोच है, यहाँ पे इसका हेड है, यहाँ पे इसका टेल है, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका टेल है, यहाँ पे इसका हेड है, मैं इसको बीच में से ऐसे कट कर दूं, उसके बाद ऐसे सिलेंड्रिकल सा दिख रहा है सपोज, तो ऊपर डोर्सल रहेगा, नीचे वेंट्रिकल रहेगा, वेंट्रल रहेगा, डोर्सल टर्गाइड रहेगा, वेंट्रल स्टरनाइट रहेगा। तो जो एनएस इन दोनों के बीच में है, ठीक है, बट नाइन्थ स्टरनाइट है नीचे वाला और टेंथ टर्गाइट है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं बच्चों फीमेल में, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बात बच्चों फीमेल में, तो फीमेल में जो होता है ये ओपन करता है जेनाइटल चेंबर के अंदर। कहाँ ओपन करता है? जेनाइटल चेंबर के अंदर। बच्चे राजीव क्या चीज ज्वाइन करना है आपको? अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो आप नीचे दिए हुए लिंक्स यूज कर सकते हैं, और चिराग10 कोड यूज कर लीजिएगा बच्चे। अगर आप ये चिराग10 कोड यूज करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आप मेरी मेंटरशिप के अंडर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप मेरी मेंटरशिप के अंडर ज्वाइन करेंगे तो इसका फायदा मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। मैं 295 मार्क्स में, 2017 में मैंने 295 मार्क्स अचीव किए थे, जो मेरा फर्स्ट बिना पढ़े अटेम्प्ट था। फिर उसके बाद जब मेरा 645 मार्क्स था 2019 के अंदर, ठीक है, मैंने दो ड्रॉप लिए थे बच्चे। अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि गलतियाँ और सही मेंटर आपको चाहिए, तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं चिराग10, ठीक है, जिससे कि आपको काफी हेल्प मिल सकती है। चलो फिर उसके बाद आती है बात बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो अभी सिस्टम शुरू होने वाले हैं, तो अगर आपको जितना भी अभी तक डाउट है तो एक बारी पूछ लो, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, कोई भी टाइप का। मैं इतने आपके कमेंट्स देख लेता हूँ, अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो। 2 मिनट का ब्रेक है आप लोगों का, ताकि आप लोग एक बारी एनसीईआरटी से देख लो, अगर कोई डाउट रह गया है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, चैट बॉक्स में लिख के। राजीव अगर आप ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन तो प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ताकि आप मुझे भेज सकें, ठीक है, और फिर मैं आपको एक ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, ताकि आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकें, ठीक है। राजीव किस चीज का ट्रिक बताना है आपको? मतलब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, बायोलॉजी हैज नो शॉर्टकट्स, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजी के अंदर कोई शॉर्टकट्स नहीं है बच्चे, ठीक है। बायोलॉजी आपको पढ़ना ही होता है, बायोलॉजी आपको समझना ही होता है, बायोलॉजी आपको लर्न करना होता है, ठीक है। अब अगर आप, मैं ट्रिक्स बता भी दूंगा तो आपको ऐसा नहीं है कि सारी ट्रिक्स अगर मैं बता दिया तो वो आप यूज कर पाओगे, ठीक है। तो ट्रिक्स अपनी खुद बनाने की कोशिश करा करो, जब खुद बनाते हैं ना हम ट्रिक्स तो याद होती है चीजें, ठीक है।
बच्चे अलग से मेरा कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, ठीक है, बट कुछ बच्चे हैं जिनको मैं गाइड करता हूँ, कुछ मेंटर करता हूँ, उन लोगों का ग्रुप बना रखा है। अगर आप भी उस मेंटरशिप में जुड़ते हैं तो मैं आपको उसमें ऐड करता हूँ। चलें शुरू करें, बताओ जल्दी से, बताओ चैट बॉक्स में, शुरू करें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चे। परफेक्शन नीट पे जाओ, आपको पता चल जाएगा। परफेक्शन नीट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे मैं फॉरवर्ड करता हूँ सारे मैसेजेस, फॉरवर्ड करता हूँ जो भी उस ग्रुप के मैसेजेस होते हैं सारे फॉरवर्ड करता हूँ आपको। सारा कंटेंट मैं पार्शियल रखता हूँ, मतलब ऐसा है, नहीं है किसी को एक्स्ट्रा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, बट स्टिल जो डायरेक्ट अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वहां पे आप कर सकते हैं। वैसे परफेक्शन नीट पे जाइए, परफेक्शन नीट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, चलो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप देखते हैं तो वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ है बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल और सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? एलिमेंट्री कैनाल और सलाइवरी ग्लैंड दो चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तब जब आप बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल में तीन पार्ट्स होते हैं, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड। तो इसके जो ओरिजन्स हैं, यहाँ ओरिजन्स लिखे हैं, देखो मेरे यहाँ पे लिखे हैं कहीं, ठीक है, ये ओरिजन्स लिखे हैं, जो ऊपर ओरिजन्स लिखे हैं, फोरगट लिखा है बच्चों एक्टोडर्म से होता है, मिडगट लिखा है एंडो से होता है, और हाइंडगट लिखा है एक्टो से होता है। तो एक्टो एंडो एक्टो, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ओरिजन है कौन सा नहीं है। ठीक है, फिर आता है बच्चों क्यूटिकल, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यूटिकल प्रेजेंट होता है एक्टोडर्मल वाले पार्ट, ठीक है, कि मतलब फोरगट और हाइंडगट के अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल एक एक्स्ट्रा लेयर है, ठीक है, बिकॉज बच्चे सुमन वो क्या नाम है आपका, ड्रॉपर बैच ले रहे हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बच्चे आपको कि देखो ड्रॉपर बैच ले रहे हैं गुरजीत सर एंड रितु मैम दोनों, ठीक है, ड्रॉपर बैच है बच्चों जो कि परफेक्शन क्या नाम है आपका, जो आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन पे शुरू हुआ है बच्चों, बैचेस शुरू हुए हैं। तो अगर आपको लगता है बच्चों वो बैचेस ज्वाइन करने हैं, तो आप एक अच्छे मेंटर के लिए, अगर आप मेरी मेंटरशिप के अंदर, अब मेरी गाइडेंस के अंदर आपको लगता है कि मेरी गाइडेंस के अंदर रहना है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं बच्चों, चिराग 10 कोड यूज़ कर सकते हैं और इसके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। फिर इससे क्या होगा बच्चों, आपको 10% आपको डिस्काउंट मिल जाता है बच्चों, ठीक है, जब आप लेते हो। फिर उसके बाद आप कोई भी बैच उनका ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि लाइक स्टिल की उनको उनसे आपको बढ़ना है, तो बैचेस आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बेस्ट एडुकेटर्स जो आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है, वो सभी आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलते हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि एक आपने बैच ज्वाइन कर लिया तो आप दूसरा बैच नहीं ज्वाइन कर पाओगे, आप मल्टीपल बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है बच्चे। ऐसा नहीं है कि एक बारी ज्वाइन कर लिया तो दूसरा नहीं कर पाओगे, तो ज्यादा ज्यादा मत सोचना, ठीक है, बट स्टिल बच्चे कहीं ना कहीं मतलब आपको ध्यान रखना है इन सब बातों का, छोटी छोटी बातें होती है, ठीक है। चलो इतना हुआ। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जब हम एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस पढ़ते हैं, तो ये सीक्वेंस है बच्चों, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अभी मैं इसको याद कराने की कोशिश करता हूँ हमारे जैसे, ठीक है। सबसे पहले माउथ आता है, जब हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ा था या डाइजेस्टिव ट्रैक पढ़ा था उससे पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक पढ़ा था हमने, तो सबसे पहले माउथ था, फिर हमारा ओरो फेरिंग्स था यहाँ पे, क्योंकि फेरिंग्स के हमारे तीन पार्ट थे, ओरो नेजो ओरो लेरिंजो। तो यहाँ पे जो पार्ट आ रहा था क्या आ रहा था बच्चों, ओरो फेरिंग्स आ रहा था। फिर उसके बाद क्या था, इसोफेगस आ रहा था। इसोफेगस के बाद क्या आ रहा था, स्टमक। अब हमारा यहाँ स्टमक हट गया है, स्टमक की जगह क्या आया बच्चों, क्रॉप एंड गिजार्ड आया, क्रॉप एंड गिजार्ड ऐड हो गया। क्या हुआ, क्रॉप, फिर उसके बाद गिजार्ड, दो चीजें ऐड हो गई। फिर गिजार्ड को एक और नाम दिया गया प्रो वेंट्रिकुलर। ये पूरा पार्ट जो था इसको हम बोले फोरगट। फिर इसके बाद आया बच्चों मिडगट, फिर उसके बाद आया हाइंडगट। हाइंडगट के अंदर तीन पार्ट्स आए बच्चों, आइलियम, कोलम एंड रेक्टम, ठीक है। सीकम, कोलन, रेक्टम हमने पढ़ा था, बट यहाँ पे सीकम नहीं होता है, और
और हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने लिए पढ़ा था ड्यूडेनम जेजेनम इलियम, तो यहाँ पे ड्यूडेनम जेजेनम नहीं है, उसकी जगह मिडगट है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये ना ह्यूमन जैसा ही रिलेट करके याद करो, ठीक है। अगर ह्यूमन का याद है तो ये भी आप याद कर पाओगे कि माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ओरोफेरिंग्स, फिर क्रॉप, फिर गिजार्ड, फिर उसके बाद आपका मिडगट, फिर आपका हाइंडगट, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है बच्चों फोरगट के बारे में, अगर मैं पढ़ाऊं आपको तो माउथ के बारे में आपको मैं पढ़ाऊं तो माउथ क्या है, माउथ से गिजार्ड तक जो होता है फोरगट होता है, जो कि माउथ है वो सराउंडेड होता है माउथ पार्ट, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब उसके बाद आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है, एक शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है हेड रीजन के, तो फेरिंग्स जो है हेड रीजन के अंदर होता है, शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर आता है ईसोफेगस, ईसोफेगस जो है थिन वॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, पतली सी वॉल का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि नेक के अंदर होता है और सलाइवरी ग्लैंड होती है ईसोफेगस में, ठीक है। और ये जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ल्यूब्रिकेशन और डाइजेशन, क्या क्या, ल्यूब्रिकेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड एंड स्टार्च, ठीक है, ल्यूब्रिकेट करना और डाइजेस्ट करना। फिर आता है बच्चों क्रॉप, जो हमने पढ़ा अगला स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा, क्रॉप, तो क्रॉप कुछ नहीं है बच्चों, ईसोफेगस आया वो डायलेट हो गया, उसको हमने क्या बोला, क्रॉप। तो यहाँ डायग्राम में देख रहे हो ईसोफेगस आया और ये डायलेट हो गया, इसको हमने बोला क्रॉप। तो क्रॉप जो है डायलेटेड पोर्शन है ईसोफेगस का, जो कि लार्ज है, थिन वॉल्ड है और पियर शेप्ड है, पियर कैसा होता है, ऐसा होता है ना, तो ये पियर शेप्ड है और एक्सटेंड करता है ये थर्ड टू फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कहां तक एक्सटेंड करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, थर्ड टू फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट तक एक्सटेंड करता है और बहुत बड़ा पार्ट है जो कि स्टोरेज ऑफ फूड के लिए हेल्प करता है, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है। फिर आता है गिजार्ड, गिजार्ड के कोन शेप स्ट्रक्चर है, देखो गिजार्ड अगर देखेंगे तो छोटा कोन शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ देखो ये छोटा कोन शेप स्ट्रक्चर है, ऐसा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, गिजार्ड ऐसा है। अगर गिजार्ड जो है स्मॉलर कोन शेप स्ट्रक्चर है, क्योंकि मस्कुलर है, थिन वॉल्ड है, तो उसका जो आउटर लेयर है, ठीक है, वो कैसा होता है, सर्कुलर मसल होता है, आउटर लेयर कैसा होता है, सर्कुलर मसल होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, ग्राइंडिंग। इतना समझ आया आप सभी को, क्लियर है ना। इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इनर, फिर आता है इनर लेयर, इनर लेयर में क्या आता है बच्चों, थिक मेड अप ऑफ क्यूटिकल, देखो अंदर जो है इनर लेयर जो है थिक है, आउटर लेयर क्या है, थिन है, जो कि सर्कुलर मसल की बनी है, अंदर वाली क्या है, थिक है, जो कि किसकी बनी है, क्यूटिकल की। अब ये क्यूटिकल के अंदर एक चीज पूछी जाती है, सिक्स ये नंबर पूछा जाता है, ठीक है, सिक्स हाईली काइटिनस टीथ्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग और शार्प होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ फूड कराता है, जो कि क्या है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड कराता है। तो ये जो काइटिनस जो टीथ्स हैं ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प कर रहे हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है, गिजार्ड के अंदर प्रेजेंट है और कितने हैं, सिक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मिडगट, ठीक है, मिडगट में तीन तीन बातें आपको याद रखनी है, थिन वॉल्ड होता है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है, यूनिफॉर्म थिकनेस में होता है, फंक्शन क्या है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आपको बताने हैं, दो स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर होता है बच्चों हेपेटिक सी के, पहला स्ट्रक्चर होता है हेपेटिक सी के, हेपेटिक सी के क्या है, फोरगट आया, खत्म हुआ, मिडगट शुरू हुआ, इन दोनों के यहाँ पे एक हेपेटिक सी के प्रेजेंट है, जो कि कितने हैं, छह से आठ है, छह से आठ है, जो कि क्या है, वो छोटे से हैं, पतले से हैं, ब्लाइंड एंडिंग है, मतलब ऐसा ब्लाइंडली खत्म हो जाते हैं और होलो ट्यूब है, ट्यूब है बट होलो है, जिसका फंक्शन क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करना। फिर आता है दूसरा स्ट्रक्चर मालपीजियन टिब्यूल्स, मालपीजियन टिब्यूल थोड़े डिफरेंट है, 100 से 150 हैं, येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो कि प्रेजेंट है, मिडगट खत्म होता है, हाइंडगट शुरू होता है वहां पे, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो भी ब्लड के अंदर पड़ा है उसको निकाल देगा, ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम को निकाल रहा है, हेपेटिक सी के, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन साफ कर रहा है, मालपीजियन टिब्यूल। तो ये याद रखना है आपको कि मालपीजियन टिब्यूल हेपेटिक सी के, आपको ध्यान में रखते हुए सारी चीजें ओरिएंटेड हो रहना है आपको। फिर उसके बाद बात आती है बच्चों मिडगट की, तो मिडगट में आपको दो ही चीजें याद रखना है, हेपेटिक सी के, मालपीजियन टिब्यूल, जो कि मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, 6 से 8 होते हैं, 100 150 होते हैं,
एक्सक्रीशन, फंक्शन डाइजेस्टिव एंजाइम, एट जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट, एट जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर आता है बच्चों हाइंड गट। हाइंड गट के तीन ही पार्ट होते हैं, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। इलियम क्या है, चौड़ा होता है मिड गट से, और जो रेक्टम है वो ओपन करता है एनस के थ्रू बाहर। एनस में आपको बता ही चुका हूँ, एनएस के थ्रू बाहर बता ही चुका हूँ कि एनएस कहाँ होती है, ठीक है, एब्डोमिनल अपेंडिजेस के अंदर। अब किसी को कोई डाउट है तो बताओ। डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म, अभी आएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। मैं सोच रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो सिस्टम है वो कल करा दूँ आपको। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम और सारे जितने भी हम करते हैं, ठीक है, चलो सर्कुलेटरी सिस्टम देखता हूँ। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमें डायग्राम में दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है बच्चों किस टाइप का है, ओपन टाइप का है। ओपन टाइप में मतलब क्या है, ब्लड फ्लो नहीं करता वेसल्स के थ्रू या फिर कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है, जो कि मूव करता है डायरेक्ट इंटरनल स्पेसिस के थ्रू और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है बॉडी ऑर्गन्स के साथ, ठीक है। और जो ब्लड है, ये जो सिस्टम है, इसके पार्ट्स है कुछ। ब्लड होगा जिसको हम बोलते हैं हीमोलिम्फ, हीमोसील, जो ब्लड की कैविटीज है उसको क्या बोला जाता है, हीमोसील। एक हार्ट है जो कि पंप करता है, एक एंटीरियर एओटा प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं बच्चों ब्लड या फिर हीमोलिम्फ के बारे में, तो ये क्या है बच्चों, क्लियर कलरलेस प्लाज्मा है। क्या है, क्लियर कलरलेस प्लाज्मा है जो कि हीमोसाइट्स बनाता है, जो कि उसके अंदर हीमोसाइट्स घूमते हैं, जो कि डिफरेंट ब्लड सेल्स है। हीमोसाइट्स क्या है, डिफरेंट ब्लड सेल्स है। यहां पे लिख लो, वैसे अगर लिखा होगा वैसे, सम ट्रांसफर, देखो कुछ हीमोसाइट्स हैं वो ट्रांसफर करते हैं फूड मटेरियल्स को फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, कुछ फेगोसाइटोसिस कराते हैं, और कुछ जो है डिवॉइड ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है, कोई भी असिस्ट नहीं करते रेस्पिरेशन में। देयरफॉर हीमोग्लोबिन इज नॉट प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ कॉकरोचेस, ठीक है। तो याद रखना, जो ब्लड, ब्लड नहीं सेल्स में बोलूंगा, एंड ऑफ द कॉकरोचेस एंड डोंट हेल्प इन रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन नहीं बोलूंगा, गैसियस एक्सचेंज। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जा सकता है, बहुत बारी पूछा जा चुका है कि हीमोग्लोबिन हेल्प करता है या नहीं, बट हीमोग्लोबिन हेल्प नहीं करता, ये याद रखना है। फिर रहता हार्ट, हार्ट के अंदर जब चेम्बर्स गिनोगे तो 13 चेम्बर बनते हैं, बट वैसे हैं टोटल 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, एलोंगेटेड होता है, मस्कुलर होता है, जो कि लाई करता है अलोंग द मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। थोरेक्स एब्डोमेन है, उसके बीच में रहता है। इंटीरियर एंड जो होता है लॉन्ग होता है, एलोंगेटेड होता है, जो नैरो, एक नैरो ट्यूब जैसा होता है जो कि ओपन कर देता है हेड के अंदर। जो पोस्टीरियर एंड होता है वो होता है ब्लंट, ठीक है। अब ये जो हार्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इसको हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। क्यों, क्योंकि ये न्यूरल एक्टिविटी के कंट्रोल में होता है। इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट, क्योंकि न्यूरल एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल में होता है। तो तीन क्वेश्चन बता चुका हूं, हीमोग्लोबिन के ऊपर क्वेश्चन आता है, ओपन सर्कुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, और इसके ऊपर आता है कि न्यूरोजेनिक है, चेंबर्स ऑफ हार्ट के ऊपर आता है, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक आता है एंटीरियर एओटा, जो कि कुछ नहीं है बच्चे, जो फर्स्ट चेंबर ऑफ हार्ट है उसको हमने क्या बोला, एंटीरियर एओटा, ठीक है। तो ये जो एंटीरियर एओटा है, फर्स्ट चेंबर ऑफ हार्ट से एक ऐसा लंबा सा, एक सिंगल नैरो ट्यूबुलर एंटीरियर एओटा निकलता है, मतलब ऐसे पतला सा ऐसा ट्यूबुलर पार्ट का निकल गया, इसको हमने बोल दिया एंटीरियर एओटा। इसको हमने क्या बोला, एंटीरियर एओटा, जो कि हेड के साइनस के अंदर चला जाता है। यहाँ पे याद रखना बच्चे, एलेरी मसल्स भी होती हैं कुछ, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करके हेल्प करती है, ठीक है। फिर देखो, अब
जो ये पोस्टीरियर एंड होता है हर एक चेंबर का, ईच चेंबर लिखा है ठीक है, हर एक चेंबर का जो पोस्टीरियर एंड होता है वहां पे एक पेयर ऑफ एपरेचर्स प्रेजेंट होता है। एपरेचर मतलब कोई भी ओपनिंग है स्ट्रक्चर टाइप का, जिसको हम बोलते हैं ओस्टिया, जिसको हम क्या बोलते हैं ओस्टिया, जो कि लेटरली प्रेजेंट होता है, जो कि लेटरली प्रेजेंट होता है ठीक है, जो कि लेटरली प्रेजेंट है, जो कि रिसीव करता है बच्चों, जो कि रिसीव करता है ब्लड साइनसिस थ्रू द ओस्टिया। अब देखो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड है, चेंबर्स के अंदर ब्लड कैसे आएगा, ये ओस्टिया के थ्रू चेंबर्स के अंदर आ जाता है ठीक है। और इन ओस्टिया के यहाँ पे वॉल लगे होते हैं, गार्डेड बाय वॉल्स, ताकि जो बैक फ्लो है वो ना हो पाए ठीक है। इतना समझ आया सभी को? गुड इवनिंग हिमांशु, गुड इवनिंग। मेरे को बच्चों आप लोगों के ना कमेंट्स दिखा नहीं रहा है ढंग से यार, बहुत परेशानी हो रही है। दो मिनट दे सकते हो क्या मेरे को? एक मतलब एक दो मिनट दो मेरे को, मैं चेक करता हूँ। एक सेकेंड दो यार, मैं देखता हूँ। हाँ दूसरे डिवाइस पे देख रहा हूँ कि अगर चैट दिखा दे आप लोगों की, क्योंकि चैट इम्पॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों का। अगर अगर ये कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगा तो दिक्कत आएगा ठीक है। तो इतने आगे बढ़ते हैं ठीक है। चलो आई गेस कोई अभी मिस नहीं हुआ है ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या बातें हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताना चाहिए। तो जितने भी चेंबर्स हैं हार्ट के, ये गार्डेड होते हैं बाय वॉल्स ठीक है। ये सारे चेंबर जो होते हैं गार्डेड बाय वॉल्स, सो दैट द ब्लड फ्लो विल रिमेन फ्रॉम द पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन, ताकि ये जो ब्लड फ्लो है हमेशा पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ रहे ठीक है। ये चाहते हैं पीछे से आगे की तरफ ही रहे ठीक है। अब ये जो ब्लड पंप हो रहा है ठीक है, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज पंप्ड इनटू द साइनसिस एंटीरियरली बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ पेयर्ड मसल, जिनको हम बोलते हैं एलेरी मसल्स। इसको क्या बोलते हैं? एलेरी मसल बोलते हैं। स्पेलिंग देख लो बच्चों, अगर नहीं दिख रही है ALLARY, ये बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलेरी मसल बोला जाता है। फिर आता है बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है। इसके बारे में एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, बट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हेलो सलेहा, कैसे हैं आप? ठीक है। अब ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मोर एफिशिएंट देन अर्थफॉर्म बिकॉज दे हैव डेफिनेटिव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि वेल डेवलप्ड अगर सिस्टम पूछा जाता है तो कॉकरोच के अंदर आता है ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है, एयर डायरेक्टली एंटर करता है एयर डायरेक्टली एंटर करता है और कॉन्टैक्ट में आता है वेरियस टिश्यू और ऑर्गन्स के साथ। इसीलिए जो ब्लड है वो हेल्प नहीं कर रहा है रेस्पिरेशन के अंदर। मैंने आपको बता ही दिया कि वहां पे हीमोग्लोबिन का कोई रोल नहीं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स में आएंगे बच्चे, तो वो कौन कौन से होते हैं? स्पायरिकल्स एंड नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स। स्पायरिकल्स एंड नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स आते हैं ठीक है। बट ह्यूमंस के अंदर क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकियोल्स। क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकियोल्स होता है। तब स्पायरिकल्स क्या है बच्चे? स्पायरिकल्स को बच्चों बोलते हैं स्टिग्मेटा। स्पायरिकल्स को क्या बोलते हैं? स्टिग्मेटा। 10 पेयर होते हैं जो कि स्लिट लाइक ओपनिंग होता है स्पायरिकल, ये स्टिग्मेटा जिसे बोल रहे हैं हम ठीक है। 10 पेयर है, स्लिट लाइक ओपनिंग है, दे आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी ठीक है। प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, दे आर गार्डेड बाय ब्रिसल्स या फिर हेयर ठीक है। जैसे हमारी नोज के अंदर है ना, ऐसे यहाँ पे ब्रिसल्स या फिर हेयर होते हैं जो कि डर्ट को बाहर रखते हैं। अब दीज ओपनिंग आर गार्डेड बाय स्पिंटर्स, हर जगह स्पिंटर प्रेजेंट है। और ईच स्पायरिकल लीड्स टू अ शॉर्ट ट्रैकियल चेंबर, लीड्स टू अ शॉर्ट ट्रैकियल चेंबर, जहां से अराइज करता है मेन ट्रैकियल ट्रंक। जहां से क्या अराइज करता है? मेन ट्रैकियल ट्रंक अराइज करता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मेन ट्रैकियल ट्रंक कहाँ से अराइज हो रहा है और कैसे हो रहा है ठीक है। फिर आता है नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स ठीक है। तो ये सिस्टम कैसे डिजाइंड है? तो जो हीमोसिल है, अब ये जो हीमोसिल है ये कंटेन करता है एक नेटवर्क ऑफ हीमोसिल,
कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ इलास्टिक क्लोज्ड ब्रांचिंग एयर ट्यूब्यूल्स, ठीक है, क्या क्या, इलास्टिक क्लोज ब्रांचिंग एयर ट्यूब्यूल जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी हैज वेरी लेस इन्फो अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, तो डोंट वरी, तो डोंट वरी, तो इतनी चीजें अगर याद नहीं रह पा रही हैं, इतनी चीजें नहीं हो रही हैं, तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, बट समझना इज मोर इंपॉर्टेंट देन किसी भी चीज को छोड़ना या फिर लिखने वगैरह से, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रैकिया प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो ट्रैकिया है बहुत ज्यादा ब्रांच कर जाता है पार्ट्स ऑफ द बॉडी में और अल्टीमेटली डिवाइड करता है फाइन ब्रांचेस में, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकियोल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रैकियोल्स, और ये टर्मिनेट कर जाता है इन द टिश्यू एंड कंटेन्स टिश्यू फ्लूइड एट द डिस्टल एंड व्हिच प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। सिंपल सा बताता हूँ, सपोज ऐसे ट्यूब आया, वो बार बार डिवाइड कर गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है टिश्यू है और यहाँ पे डायरेक्ट फ्लूइड है और कॉन्टैक्ट में आया और गैसेस एक्सचेंज हो गया, ठीक है, ये सिंपल सा चीज है। फिर अब मैकेनिज्म बताता हूँ क्या होता है। अब ये होता है देखो, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से होता है, कैसे, देखो ऊपर टर्गम है, नीचे स्टर्नम है, ऊपर टर्गम है स्टर्नम है, इनके बीच में एक मसल होती है जिसको बोलते हैं टर्गोस्टर्नल मसल, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अंदर एक ऐसे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, अंदर एक जैसे यहाँ ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, कॉन्ट्रैक्ट किया ट्यूब बंद हो गया, खुला तो ट्रॉप रिलैक्स हो गया, ठीक है, तो ये सेम हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, अब CO2 जो होती है मेनली डिफ्यूज हो जाती है नॉर्मल क्यूटिकल की मदद से, बट नॉर्मल बाकी जो है डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, अब ये यहाँ पे होता है टर्गोस्टर्नल मसल होती है, जब वो कंट्रोल कर, जब दबेगी वो टर्गोस्टर्नल मसल, तो क्या होता है सांस छोड़ता है कॉकरोच, मतलब क्या है एक्सपीरेशन करता है, और जब वो रिलैक्स होती है तो इंस्पिरेशन करता है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। यहां तक अगर किसी डाउट है तो पूछ लो बच्चे। अगर यहां तक किसी को भी डाउट है तो बताओ। देखो अब मैं बताता हूँ बच्चों आपको परफेक्ट प्लान जो भी है स्टडी के लिए। देखो मैंने अभी भी बच्चे पूछ रहे थे तो मैं बता दूं बच्चों, ये कोड रहेगा, ठीक है, बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये कोड रहेगा 6-8-10, ठीक है। तो अब अगर परफेक्ट स्टडी क्यों है, ये अगर क्यों है, क्यों हर बैच, देखो नए बैच बनते हैं हर वीक, सपोज आप एक ऐसा बैच ज्वाइन कर रहे हो जो कि आप आगे बढ़ चुका है, जो बैच है आगे बढ़ चुका है, बट आपको पुराना कुछ रिवाइज करना है, तो हर वीक कुछ ना कुछ नया बैच शुरू हो रहा है, तो आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक मेडिको बैच है, कोई बच्चा पूछ रहा था मेरे से, मेडिको बैच में देखो गुरजीत सर, ऋतु मैम, रमन सर, मनीष सर, अनुराग तिवारी सर है, ठीक है, जो कि कब से शुरू हुआ है बच्चों, 22 तारीख यानी आज ही से शुरू हुआ है, ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट डेट था आप लोगों के लिए क्योंकि ये बैच शुरू हुआ है। तो इस बैच को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो बच्चों, या तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। अब देखो मेन फायदा क्या है कि आप प्रॉपर बैचेस ज्वाइन कर पाओगे, जैसे आनंद मनी सर का 27 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, एम्स रैंकर बैच शुरू हो रहा है, जहाँ पे आपके अमन सर हैं, आनंद सर हैं, दुष्यंत सर हैं, ये सारे लोग हैं, ठीक है। फिर मास्टर बैच एक शुरू हो रहा है जहाँ पे आपकी प्यारी ऋतु मैम है, अनुषा मैम है, काजल मैम है, मीतू मैम है, शुभम सर है, ठीक है। तो ये 22 सितंबर यानी आज ही से शुरू है बच्चे बैच, ठीक है। तो इसका प्राइसिंग क्या रहता है बच्चे, प्लस सब्सक्रिप्शन का बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, बहुत मिनिमलिस्टिक प्राइस है बच्चों, 38,500 का है। यहाँ पे अगर आप कोड यूज करेंगे चिराग10, तो आपको 10% ऑलरेडी डिस्काउंट मिल जाएगा, तो लगभग 34,000 का आपको पड़ेगा। अगर आप मंथली देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2900 का पड़ेगा। यही चीज अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाके लेते हैं तो 1 लाख से कम आपको नहीं मिलेगा जितना आपको यहाँ पे क्वालिटी मिल रहा है। ऊपर से इंडिया के जो बेस्ट एडुकेटर्स हैं वो आपको यहाँ मिलते हैं, आपको पता ही है 5-5, 6-6 एडुकेटर्स हैं एक बैच के अंदर, इतने सारे बैचेस हैं, अगर आपको एक एडुकेटर पसंद नहीं आ रहे हैं दूसरे एडुकेटर के पास आप जाके पढ़ सकते हैं। बट अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं, एक बार ही आपने फीस कर दिया तो भैया गए, आपको उन्हीं से पढ़ना पड़ेगा पूरे साल, और आप कोई गारंटी नहीं कब बदल जाए उस बैच का,
यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है, बैचेस चलते रहते हैं। फिर ऐसी अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं, जैसे आपको जो नोट्स हैं बच्चों, नोट्स आपको मिलते हैं डिलीवर करके, ठीक है, डिलीवर होते हैं ऑफलाइन नोट्स, ठीक है। आपको लाइव मेंटरशिप मिलता है, मतलब आप अपने लाइव मेंटर मिलता है, आपको कॉल अरेंज करा सकते हो आप, ठीक है। फिर लाइव डाउट मिलता है आपको, ठीक है, 1:1 आपको डाउट मिलता है कि आप डाउट अप्लाई करोगे, वो डाउट आपको सोल्यूशन मिलेगा, तो आप डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हो, नहीं तो डाउट क्लासेस होती है प्लस के अंदर, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपके डाउट नहीं होंगे, यहाँ पे भी आपके डाउट होंगे। तो अगर आपको लगता है वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर, तो आप बच्चों ये ले सकते हो। एक साल के लिए आपको लगभग पड़ेगा 59,000 के आसपास का, ठीक है, लगभग पर मंथ आपको पड़ेगा ये 4,900 का, तो आपको जो सही लगे वो आप ले सकते हो, बट आफ्टर डिस्काउंट पड़ेगा ये आपको चिराग 10 अगर आप कोड यूज करेंगे। और अगर आप चिराग 10 कोड यूज कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें और मुझे भेजना ना भूलें। अगर आप मुझे नहीं भेज पाए बच्चे तो आप मेरे मेंटरशिप में नहीं आ पाएंगे, है ना। बाकी आप बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं तो यहाँ पे एक्साइटिंग ऑफर्स चलते रहते हैं, कॉम्बो चलते रहते हैं, जहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है। एक बेस्ट और बहुत मस्त सा ऑफर आ रखा है, वो क्या है बच्चों, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है बच्चों संडे को, ठीक है, 11 AM, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है बच्चों, 11 AM पे टेस्ट होता है, 28 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, चाहे आप 11th के हो, चाहे 12th के हो, चाहे आप ड्रॉपर हो, तो सबके लिए अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग कंसिस्टेंट कंटेस्टेंट्स होते हैं। अब कमाल की चीज बताऊं, अब बताता हूं, देखो प्राइस, देखो प्राइस डिस्काउंट, ठीक है, 1-3 फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन, 4-10 75% डिस्काउंट, 10-40 वाला एक बारी डाटा देखना पड़ेगा, 50% डिस्काउंट, 40-250 तक 25% डिस्काउंट, 250 ऑनवर्ड्स, या आई गेस 851 ऑनवर्ड्स है ये, 15% डिस्काउंट, ठीक है, 40-850 तक है, तो ये है। तो एक सेकंड मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, अभी डिस्काउंट जो लेटेस्ट आया हुआ है मेरे पास, ये सभी आप लोगों के लिए बिल्कुल लेटेस्ट आया हुआ है, ठीक है, ये मतलब बिल्कुल जो इससे ज़्यादा कुछ भी डिस्काउंट नहीं हो सकता बच्चे, ठीक है, कि लाइक यहाँ पे आपको 41, हाँ सही है ये, 41-850 तक आपको 25% डिस्काउंट। बच्चों मैं बताऊँ बहुत ईजी होता है, मैंने देखे हैं बहुत सारे बच्चे जो मैंने उनको आते हुए देखा है, 300 रैंक तक भी आते देखा है। अगर आप 300 रैंक तक भी आ जाते हैं बच्चों, आपको सीधा सीधा 25% डिस्काउंट मिलता है, 25% डिस्काउंट बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। तो बच्चों आप ये सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें। अब इसको लेने के लिए कुछ नहीं करना होता है बच्चों, ये जो है टेस्ट सीरीज, इसके लिए आपको एक कोड डालना होगा, और कोड बच्चों सेम ही है, कोड आप डालोगे चिराग 10, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो संडे के टेस्ट के लिए एनरोल कर लेना, ठीक है। फिर देखते हैं बच्चे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है, हम वो नहीं करेंगे बच्चे आज, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं करेंगे, थोड़ा गला खराब है और रात को 9 बजे क्लास भी लेना है, तो रात को 9 बजे क्लास नहीं हो पाएगा। कल जो एनसीईआरटी वाला क्लास है हमारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का, उसी के अंदर मैं आपको कॉकरोच का वो करा दूंगा, रिप्रोडक्शन सिस्टम भी करा दूंगा, और साथ में आपको स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक है उसका एनसीईआरटी आपको करा दूंगा, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या आता है, ये रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन मटीरियल अनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वाटर को, ठीक है, जो कि हीमोलिम्फ के अंदर है, हीमोलिम्फ के अंदर इन सबको मैनेज करता है, इन सबको रेगुलेट करता है। पार्ट्स क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम के, मालबीजन ट्यूब्यूल, फैट बॉडीज, नेफ्रीडियाज एंड यूरिकोज ग्लैंड। तो टोटल क्या है, मालबीजन ट्यूब्यूल, फैट बॉडी, नेफ्रीडियाज एंड यूरिकोज ग्लैंड। फिर उसके बाद जो मालपीजन ट्यूब्यूल है, ये क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 100-150 होते हैं, जंक्शन पे होते हैं मिडगट एंड हाइंडगट के, फाइन होते हैं, लॉन्ग होते हैं, येलोइश होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। ब्लाइंड ट्यूब्यूल होते हैं जो कि फ्रीली होते हैं हीमोलिम्फ के अंदर, कवरिंग बनाते हैं बच्चों ग्लैंडुलर एपिथीलियम की, इसकी ग्लैंडुलर एपिथीलियम की, जिसके अंदर क्या होते हैं बच्चों सीलेटेड सेल्स होते हैं, क्या होते हैं सीलेटेड सेल्स होते हैं, जो कि कैसे होते हैं ब्रश पाउडर सेल होते हैं,
और इनका फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करना हीमोलिम से और कन्वर्ट कर देना यूरिक एसिड के अंदर। अब यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक। तो क्वेश्चन में बताता हूँ कहाँ कहाँ आता है, क्वेश्चन नंबर के ऊपर आता है, प्रेजेंट कहाँ होते हैं, येलोइश के ऊपर आता है, अनब्रांच के ऊपर आता है, क्या होता है, ग्लैंडुलर एपिथीलियम होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होता है, यूरिकोटेलिक होता है। ये सारे क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन है मालवीय टिब्यूल के ऊपर। फिर आता है फैट बॉडी एंड नेफ्रोसाइट्स। फैट बॉडी के ऊपर इतना ही आता है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और इसके अंदर फैट सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि फिल करते हैं मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द बॉडी, ठीक है, और जो कि ऑक्यूपाई नहीं करता ऑर्गन, तो वहाँ पे क्या होता है, फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, अकोमोडेट प्रोड्यूस एंड स्टोर यूरिक एसिड एंड यूरेट ग्रैन्यूल्स। तो यूरिक एसिड और यूरेट यूरिक ग्रैन्यूल्स ये सब प्रोड्यूस करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, फैट सेल्स। फिर आता है बच्चों नेफ्रोसाइट्स। नेफ्रोसाइट्स में क्या होता है बच्चों, जो लार्ज कलरलेस डिवॉइड बायन्यूक्लिएटेड सेल्स, जो मेन चीज है बायन्यूक्लिएटर, ये क्या होते हैं, बायन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। ये भी पूछा नहीं जाएगा ज्यादा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा बायन्यूक्लिएट सेल के ऊपर, या तो नेफ्रोसाइट से आएगा कि ये क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अरेंज होते हैं ईच साइड ऑफ हार्ट, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होते हैं मेल्स में एंड सम स्पीशीज में, ठीक है। और यूरिकोस ग्लैंड के बारे में, जो कि मेल मेल्स के अंदर होते हैं, कुछ स्पीशीज में प्रेजेंट होते हैं, जो कि सिंथेसाइज करते हैं यूरिक एसिड। तो बस इतना आपसे पूछा जाता है, बट कहाँ होता है ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है, लोकेशन पूछी जाती है आपसे। लोकेशन क्या है बच्चों, ये पेरीफ्री पे होता है मशरूम ग्लैंड के, ठीक है, क्या पे होता है, मशरूम ग्लैंड के पेरीफ्री पे होता है। यहां तक किसी को डाउट, चैट बॉक्स में बताओ अगर यहां तक किसी को डाउट है। फिर हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम। बताओ बच्चों, ठीक है, आई गेस किसी को डाउट है नहीं यहाँ पे, है ना, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये अगर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियास। क्या होता है, सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियास, जो कि दो टाइप के होते हैं, थॉरेक्स में भी एब्डोमेन में भी, कहां कहां पे, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। अब दीज आर जॉइंटेड बाय पेयर्ड और पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टेड टिश्यू, बट कहां होते हैं, वेंट्रल साइड पे, बट कहां होते हैं, वेंट्रल साइड पे। तो मैंने क्या बताया, फ्यूज सेगमेंटली अरेंज गैंग्लियाज होते हैं, जो कि तीन होते हैं थॉरेक्स के अंदर, एब्डोमेन में होते हैं छह। एब्डोमेन के सेगमेंट कितने थे, 10, बट वहां पे कितने कितने गैंग्लियस प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ 6 प्रेजेंट। अब ये जो जॉइंटेड होते हैं, अब ये जॉइंटेड होते हैं पेयर्ड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टेड टिश्यू, दीज आर जॉइंटेड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टेड टिश्यू, और कहां पे, वेंट्रल साइड पे, कहां पे, वेंट्रल साइड पे। तो एब्डोमेन के अंदर जो लास्ट गैंग्लिया होता है, जो एब्डोमिनल गैंग्लिया नंबर 6 होता है, ये सबसे बड़ा होगा। क्यों, जो सारे सेगमेंट्स हैं बाकी के 7, 8, 9, 10, इन सबको कौन सप्लाई करेगा, 6 गैंग्लिया सप्लाई करेगा। फिर आपसे पूछा जाता है ब्रेन के बारे में, तो ब्रेन जो होता है, ब्रेन होता है सुपरा इसोफेजियल गैंग्लियन। ब्रेन क्या होता है, सुपरा इसोफेजियल गैंग्लियन होता है। तो सुपरा इसोफेजियल एक बड़ा बाइलोब्ड मास होता है, जो कि हेड रीजन के अंदर मिलता है अबव द इसोफेगस, इसीलिए हम क्या बोले, सुपरा इसोफेजियल गैंग्लियन। तो हेड के अंदर बहुत छोटा सा पार्ट है, हेड के अंदर बहुत छोटा सा पार्ट है कॉकरोच का, इसीलिए अगर आप कॉकरोच का हेड काट देते हैं तो वो बहुत टाइम तक जिंदा रहता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात है, जो कि आपको याद होनी चाहिए। फिर आता है बच्चों सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम में आते हैं 5 चीजें, एंटीने, आई, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प, एनल सर्कल। एंटीने के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका, एंटीने के बारे में आपको पढ़ा चुका, है ना, किसी को कोई डाउट है एंटीने तक, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एंटीने तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर किसी को डाउट है यहां तक तो बताओ। आई के बारे में शुरू करेंगे, फिर
चलो आए देखते हो। आई मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है। आई जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड आई बोलते हैं। उसकी यूनिट क्या होती है, ओमा टीडिया। बट कितनी होती है मैंने ये नहीं बताया। ओमा टीडिया जो होती है बच्चों, 2000 होती हैं और हेक्सागनल होती हैं। 2000 होती हैं और हेक्सागनल होती हैं, ठीक है। लार्ज होती हैं ये और सेंसाइल आई होती हैं, ठीक है, जो कि ब्लैक इन कलर होती है और किडनी शेप होती है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आता है ओमा टीडिया के बारे में। ओमा टीडिया क्या है, हेक्सागनल है, ट्रांसपेरेंट है, बाय कन्वेक्स है। ये आपसे पूछा जाता है कि कौन सा लेंस है, तो बताना है आपको बाय कन्वेक्स लेंस होता है, जो कि कैपेबल होता है इमेज फॉर्मेशन के, जो कि कैपेबल होता है इमेज फॉर्मेशन के, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि विजन कैसा है, फिर पूछा जाता है विजन कैसा है। विजन होता है बच्चों मोजाइक विजन, जो कि फीचर होता है कंपाउंड आई का, ठीक है। मोजाइक विजन जो कि फीचर होता है कंपाउंड आई का, जो कि ज्यादा सेंसिटिव होता है और कम रेजोल्यूशन का होता है, ज्यादा सेंसिटिव और कम रेजोल्यूशन का होता है। सो दिस टाइप ऑफ विजन इज प्रेजेंट इन नॉक्चर्नल एनिमल्स। तो दिस टाइप ऑफ विजन इज प्रेजेंट इन नॉक्चर्नल एनिमल्स। सो दीज आर अडेप्टेड टू परसीव द मूवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो ये विजन है, जो मोजाइक विजन है, जो कि फीचर है कंपाउंड आई का, जो कि कम सेंसिटिव होता है बट ज्यादा रेजोल्यूशन का होता है, वो किस लिए होता है, हल्का सा भी मूवमेंट होगा पता चल जाएगा, ठीक है। हल्का सा भी मूवमेंट होगा पता चल जाएगा, इसीलिए इनको हल्का सा भी मूवमेंट पता चल जाएगा। फिर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हम कल करेंगे बच्चे, क्योंकि अभी इतना हिम्मत नहीं बचा है। या तो कर लेते हैं बच्चों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कर ही लेते हैं, कल के लिए क्यों छोड़ना, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चार टर्म्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या, डायोशियस, सेक्सुअल डायमॉर्फिस, फीमेल्स और मेल्स के अंदर क्या क्या है। डायोशियस के अंदर आता है मेल और फीमेल जो है दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। डाय मतलब दो, मतलब यूनिसेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग से पता चल जाएंगे। मेल्स के अंदर हमें पता है एनल स्टाइल होता है, फीमेल के अंदर पता है चौड़ा एब्डोमेन होगा, जेनाइटल पाउच या फिर ब्रूड होगा, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पार्ट्स होते हैं बच्चों, क्या क्या होते हैं, टेस्टिस होता है। टेस्टिस क्या होता है बच्चों, गोनाड्स होते हैं जो कि पेयर्ड होते हैं, ट्यूबुलर जो लाइन करते हैं इधर साइड, ठीक है, डोर्सोलेटरल पोजीशन में, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। कहाँ कहाँ, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक है। हेलो जनरल स्टडी। फिर उसके बाद आता है वासा डिफरेंशिया। तो ये जो वासा डिफरेंशिया होता है पेयर्ड होता है, जो कि रन करता है पोस्टीरियरली और डाउनवर्ड टुवर्ड्स द इजैक्युलेटरी डक्ट, ठीक है। तो वासा डिफरेंशिया पता लगा क्या है, पेयर्ड है, जो कि टेस्टिस से निकल रहा होगा नीचे की तरफ जा रहा है। तो सेगमेंट याद होने चाहिए इसमें, टेस्टिस के अंदर क्वेश्चन आएगा 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट के ऊपर, पेयर्ड होता है ये। फिर वासा डिफरेंशिया कैसे जाता है ये बताइए, इजैक्युलेटरी डक्ट के अंदर जाएगा। फिर इजैक्युलेटरी डक्ट में गया तो सिंगल होता है, मीडियन होता है, सिंगल होता है, मीडियन होता है, मस्कुलर होता है, जो कि एक्सटेंड करता है पोस्टीरियरली एंड ओपन इन टू द जेनाइटल पाउच थ्रू द गोनो फोर या फिर जेनाइटल जेनाइटल फोर या फिर गोनो फोर, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द एनस। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ से क्या ओपन करता है। हेलो मुस्कान, बड़े दिनों बाद दिख रहे हो। तो यहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर हम देखें तो यहाँ हमें देखे टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, फिर उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट है ये जो है और कुछ है, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो ये अलग से पता लगेगा, ये और कुछ है, तो इसको इजैकुलेटरी डक्ट मत मानना। फिर आता है बच्चों मशरूम ग्लैंड, जो कि प्रेजेंट होता है जंक्शन ऑफ वासा डिफरेंशिया एंड इजैकुलेटरी डक्ट। तो यहाँ वासा डिफरेंशिया आया, इजैकुलेटरी डक्ट आया, यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या बोला, मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ दिस एंड दिस, 6 से 7 एब्डोमिनल सेगमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कौन से सेगमेंट में है, ये पूछा जाता है। मैं बहुत बढ़िया बच्चे, बट थोड़ा सा गला खराब है, इसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक ब्लैंड टिब्यूल्स होते हैं, जिसको हम स्मॉल एंड लार्ज टिब्यूल्स बोला जाता है, स्मॉल एंड लॉन्ग टिब्यूल्स बोला जाता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन, जो स्पर्म्स है उनको नरिशमेंट के लिए कुछ अपना सिक्रीशन प्रोवाइड करता है। दीज आर मशरूम ग्लैंड। फिर इसके बाद आता है फैलिक या फिर कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, ठीक है। ये किसके अंदर होती है, सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर
फेलिक या फिर जो कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड है ये सिर्फ मेल के अंदर प्रेजेंट है, जो कि लार्ज क्लब शेप ग्लैंड है क्योंकि प्रेजेंट है जैक्यूलेटरी डक्ट के नीचे जो कि फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट तक जाते हैं। तो ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, तो एक पेज बनाना बच्चों, एक पेज के ऊपर ये सारे सेगमेंट लिख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नैरो डक्ट जो कि ओपन करता है जेनाइटल पाउच बाय द साइड ऑफ मेल गोनोफोर, ठीक है। ये नैरो डक्ट होता है जो कि ओपन करता है जेनाइटल पाउच में बाय द साइड ऑफ मेल गोनोफोर। इसका फंक्शन क्या होता है, सिक्रीट करता है आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर कौन बनाता है। अभी स्पर्मेटोफोर पढ़ाऊंगा क्या होता है, बट पहले ये याद रखना है कि ये जो फैलिक या फिर कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड है ये आपका आउटर लेयर बनाता है स्पर्मेटोफोर का, ठीक है। आउटर लेयर कौन बना रहा है, स्पर्मेटोफोर का, फैलिक या फिर कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। फिर उसके बाद जो आता है बच्चों सेमिनल वेसिकल के बारे में आता है। तो सेमिनल वेसिकल क्या है बच्चों, जो कि प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड में या फिर सरफेस पे ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ इजैगुलेटरी डक्ट, ठीक है। जो कि कहाँ है, एंटीरियर पार्ट ऑफ इजैगुलेटरी डक्ट। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ पे प्रेजेंट है। इसके पास वेरियस स्मॉल ग्लिसरिंग व्हाइट सैक्स होते हैं, ठीक है। वो छोटे छोटे ग्लिसरिंग वाइस व्हाइट सैक्स होंगे, मतलब चमकने वाले होंगे, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है। फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है, ठीक है। अब ये जो स्पर्म है बहुत सारे ग्लू हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बताया, स्पर्मेटोफोर की कवरिंग कौन बना रहा है, कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। बट ये जो होता है स्पर्मेटोफोर क्या है, पियर शेप्ड होता है जिसमें स्पर्मेटिक फ्लूइड और स्पर्म होते हैं। अब ये जो डिस्चार्ज होते हैं कॉपुलेशन के टाइम पे ये चीजें निकल जाती हैं, डिस्चार्ज हो जाता है। फिर आता है बच्चों जेनाइटल पाउच के बारे में। जेनाइटल पाउच क्या है, हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन, मतलब पीछे की तरफ होगा एब्डोमेन में। कौन कौन बनाएगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, बाउंड्री क्वेश्चन है कि 9th and 10th टर्गाइट एंड 9th स्टरनाइट। इसके अंदर क्या क्या आता है, जेनाइटल पाउच के अंदर तीन स्ट्रक्चर आते हैं, डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल गोनोफोर एंड गोनापोफाइसिस या फिर एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, गोनापोफाइसिस या फिर एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। तो इन द जेनाइटल पाउच सराउंडिंग जेनाइटल पोर आर प्रेजेंट इन गोनापोफाइसिस, दैट का फंक्शन क्या होता है, कॉपुलेशन। अभी जो गोनापोफाइसिस है या फिर एक्सटर्नल जेनाइटिलिया इसका काम क्या होगा, कॉपुलेशन में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे तीन काइटिनस प्लेट्स होती हैं जिसको फेलोमियर्स बोलते हैं, राइट लेफ्ट एंड वेंट्रल फेलोमियर। क्या क्या बोलते हैं, राइट लेफ्ट एंड वेंट्रल फेलोमियर बोला जाता है, राइट फेलोमियर, लेफ्ट वेंट्रल, लेफ्ट फेलोमियर एंड वेंट्रल फेलोमियर। अब ये कन्फाइंड रह गया, कन्फाइंड रहता है जो फीमेल वाला जो सिस्टम है ये कन्फाइंड रहता है हमारा एब्डोमेन के अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर आएंगे, ओवरीज आएगी, ओवरीज के सेगमेंट पता होने चाहिए। ओवरीज का सेगमेंट होता है 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट जो कि प्रेजेंट होते हैं लिटरल साइड, सेम है अराउंड हाइंड गट, ये थोड़ा डिफरेंट है, एम्बेडेड इन फैट बॉडीज। ये क्वेश्चन है, ये क्या होता है, एम्बेडेड होता है फैट बॉडीज के अंदर। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट है, 8 इलोंगेटेड टेपरिंग एंड बीडेड ब्लाइंड टिब्यूल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन टिब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवेरियन टिब्यूल्स बोलते हैं। दीज कंटेन चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा एट डिफरेंट स्टेजेस। अब ये कैसे, सपोज ऐसे ओवरी है ये, ओ सॉरी, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें 8 ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, 8 एलोंगेटेड टिब्यूल्स होते हैं। यहाँ पे चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा होता है, यहाँ पे चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा है, ये करेक्ट डायग्राम नहीं है बट ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये करेक्ट डायग्राम है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसे चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, जब ओवरी है उससे निकलती है ओविडक्ट, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बनती है, वेजाइना। तो ओविडक्ट का क्या सिस्टम है, जो पोस्टीरियरली सारे ओवेरियोल्स, जो 8 ओवेरियोल्स है यूज करते हैं, बनाते हैं लेटरल ओविडक्ट, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होती है 7th सेगमेंट के अंदर, जो कि आपका क्वेश्चन है, 7th सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि क्या बनाता है, वेजाइना या फिर मीडियन कॉमन ओविडक्ट। क्या बनाता है, वेजाइना या फिर मीडियन कोवी मीडियन कॉमन ओविडक्ट, जो कि ओपन करता है जेनाइटल पाउच या फिर चेंबर के अंदर वाया स्लिट लाइक फीमेल जेनाइटल पोर, ठीक है। फिर आता है स्पर्माथीका, इसके अंदर स्पर्मा थीका है, मेल के अंदर क्या था, स्पर्मेटो फोर था, यहाँ क्या है, स्पर्मा थीका है।
स्पर्माथी का क्या है बच्चों, पेयर्ड, पेयर्ड है, सिक्स सेगमेंट में रहता है जो कि ओपन करता है जेनिटल चेंबर के अंदर, ठीक है। और जो फीमेल, जो फर्टाइल फीमेल्स होती हैं उसमें क्या होता है, स्पर्माथीका कंटेन्स स्पर्म रिसीव ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, ठीक है। तो ये याद रखना, सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट में स्पर्माथीका प्रेजेंट है जो कि जेनिटल चेंबर में ओपन करता है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो भी स्पर्म आए हैं कॉपुलेशन के टाइम पे वो सारे यहाँ के स्टोर हो जाते हैं। फिर आता है बच्चों कोलेटरल ग्लैंड के बारे में। कोलेटरल ग्लैंड क्या है बच्चों, पेयर्ड ब्रांच एसेसरी ग्लैंड है, पेयर्ड ब्रांच एसेसरी ग्लैंड है जो कि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि सिक्रीट करते हैं बच्चों एक हार्ड केस अराउंड फर्टिलाइज एग, जिसको क्या बोलते हैं, ऊथिका। वहां पे कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड था, कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड जो था स्पर्मेटोफोर का बाहर वाला कवरिंग बना रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ऊथिका बना रहा। फिर क्या है बच्चों, जेनाइटल पाउच या फिर जेनाइटल चेंबर, जेनाइटल पाउच या फिर जेनाइटल चेंबर कहाँ होता है बच्चों, हाइंड रीजन में होता है। और कौन बनाता है ये आपसे पूछा जाता है, सेवेंथ एट नाइन्थ स्टर्नम में होता है जो कि बोट शेप्ड या फिर लार्ज होता है। जेनाइटल पाउच में एंटीरियर और पोस्टीरियर दो पार्ट होते हैं, तो जो एंटीरियर पार्ट है वो स्मॉल होता है, उसको हम बोलते हैं जेनाइटल एंट्रम, स्मॉल होता है उसको बोलते हैं हम जेनाइटल एंट्रम, जिसके अंदर तीन स्ट्रक्चर आते हैं, फीमेल गोनोफोर, पोर्स ऑफ स्पर्माथिका एंड कोलेटरल ग्लैंड। पोस्टीरियर को बोलते हैं वेस्टिबुलम या फिर ऊथिकल चेंबर, जो कि बड़ा होता है जिसके अंदर ऊथिका होता है। फिर आता है स्पर्म किससे बनता है, टेस्टिस के अंदर बनता है, बाइली टेस्टिस के अंदर बनेगा, नॉर्मल जो इसके जो जर्म सेल्स रहे होंगे उससे बनेगा। कोई डाउट है क्या उसमें भी? फिर आता है गोनोफोर या फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। ये तीन पेयर्ड होते हैं, मेल में तीन होते हैं, फीमेल में तीन पेयर होते हैं, ठीक है। प्लेट लाइक होते हैं, काइटेनस होते हैं, बिटवीन फीमेल जेनिटल पोर एंड एनस, फीमेल जेनिटल पोर और एनस के बीच में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखने दो मेरे को, एक याद रखना बच्चों यहाँ पे, ये देखो जो लेफ्ट फेलोमियर है ना, जो लेफ्ट फेलोमियर है उसके अंदर दो चीजें होती है, टिसिलेटर एंड स्यूडोपेनिस। तो ये मत भूल जाना कि स्यूडोपेनिस और टिसिलेटर कहाँ पे है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। टिसिलेटर और जो स्यूडोपेनिस है ये मेल जो लेफ्ट फेलोमियर होता है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आता है बच्चों फिर आता है आपका फीमेल के अंदर। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है ये कैसे होता है, फीमेल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन वगैरह कैसे होता है बताओ, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। बताओ, आई गेस कोई डाउट नहीं है किसी को, तो बहुत सिंपल है फर्टिलाइजेशन। देखो सबसे पहले स्पर्मेटोजोआ जो कि टेस्टिस वगैरह में बन रहे थे वो जाके स्टोर हो जाते हैं सेमिनल वेसिकल के अंदर। अब कॉपुलेशन होगा तो कॉपुलेशन के टाइम पे इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू बाहर निकलेंगे। जब इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर जाएगा तो नरिशिंग फ्लूइड होगा जिसके साथ मिल जाएगा, तो वो बना देंगे स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर के अंदर जाएगा तो स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटिक फ्लूइड होगा जो कि जाके डिपोजिट हो जाएगा फीमेल जेनिटल पाउच के अंदर और वहां पे एग आ जाएगा, ठीक है, जहां पे आ जाएगा एग। फिर उसके बाद क्या होगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा और वहां पे साइमल्टेनियसली एट दैट सेम टाइम स्पर्म्स आएंगे स्पर्माथीका से। स्पर्माथीका के अंदर जाके स्पर्म स्टोर हो गए थे फीमेल के अंदर, ठीक है, तो वो वहां आके स्टोर हो जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइज एग बनेगा जो कि सराउंड हो जाएगा बहुत सारे सिक्रीशन से कोलेटरल ग्लैंड के, जो कि क्या बनाएगा, हार्ड एग बनाएगा अराउंड ऊथिका, ठीक है, अराउंड ऊथिका, एक ऊथिका बन जाएगा, हार्ड एग बन जाएगा, ठीक है, हार्ड शेल बन जाएगा। एक ऊथिका के अंदर 14 से 16 फर्टिलाइज एग होते हैं, कितने, 14 से 16 फर्टिलाइज एग होते हैं जो कि अरेंज होते हैं दो रोज के अंदर, जो कि अरेंज होते हैं दो रोज के अंदर। इसीलिए फीमेल ऑन एवरेज 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है जिसका साइज होता है 8 mm तक, जिसका साइज होता है 8 mm तक, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पढ़ते हैं,
स्पर्मेटोजुआ बना, सेमिनल वेसिकल के अंदर गया, इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर गया, वहां पे नरिशिंग फ्लूइड के साथ मिलके स्पर्मेटोफोर बना जो कि डिपॉजिट हो गया फीमेल जेनिटल पाउच के अंदर, वहां पे एग आया, वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ, वहां पे फर्टिलाइज एग हुआ, फर्टिलाइज एग का कोलेटरल ग्लैंड हार्ड एग हुआ, ठीक है, ऊथिका में 14 से 16 एग बना और एक फीमेल एवरेज 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है जिसका साइज ये होता है। अब फर्टिलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ, जैसे कि कलर है, कलर क्या होता है, डार्क रेडिश ब्राउन कलर के जो जो एग्स प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं डार्क रेडिश ब्राउन कलर के, ठीक है। ऊथिका रिलीज हो गया और वो ग्लू हो जाता है क्रैक्स में, ठीक है, क्रैक्स या फिर डैम प्लेस होते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक फूड रहे, ठीक है। तो एग्स इनसाइड द ऊथिका गोज इनटू द क्लीवेज एंड फॉर्म्स निम्फ। क्या बनेगा बच्चों, निम्फ। अबे निम्फ क्या है बच्चों, डेलिकेट ट्रांसपेरेंट कलरलेस ब्लैक कलरलेस होते हैं और जिसके अंदर ब्लैक आय होता है, ठीक है, जो कि सारे करेक्टर होते हैं एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट साइज एंड कलर, जिनके अंदर ये जो निम्फ होते हैं इनके अंदर साइज और कलर के अलावा कुछ डिफरेंट नहीं होता। सेक्सुअली इमेच्योर होते हैं और इनके पास कोई विंग्स नहीं होते हैं, सेक्सुअली इमेच्योर होते हैं और कोई विंग्स नहीं होते। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज होती है उसके अंदर जो होता है विंग पैड्स होते हैं, उसके बाद क्या होता है, विंग्स होते हैं। तो जो टोटल निम्फल स्टेज होती है वो होती है 13 स्टेजेस, सेम इसको याद रख सकते हो, 13 चेंबर हार्ट भी होता है, 13 चेंबर हार्ट एंड 13 स्टेजेस होती है लिम्फ की, निम्फ की। तो डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, विंग फॉर्मेशन होता है, बॉडी का साइज बड़ा होता है, कलर में चेंजेस आते हैं और डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिलियास होता है, ठीक है। फिर आता है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, फिर कुछ ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होता है जिसके अंदर क्या होता है, पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट होता है जो कि रेगुलेटेड होता है दो हार्मोन की मदद से, जो कि रेगुलेटेड होता है दो हार्मोन्स की मदद से। अब ये दो हार्मोन कौन कौन से हैं, एग्डायोसोन एंड जुवेनाइल हार्मोन। कौन कौन सा, एग्डायोसोन एंड जुवेनाइल हार्मोन। जो एग्डायोसोन है वो है बच्चों प्रोथोरेसिक ग्लैंड से निकलता है और जुवेनाइल हार्मोन जो है कॉर्पोरा अलाटा से निकलता है, कॉर्पोरा अलाटा से, ठीक है। जब नोट्स मिलेंगे जब आपको नोट्स मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत तबीयत खराब चल रही है मेरी, ऐसा लग रहा है मुझे, और मैं बहुत हल्के में ले रहा हूँ, बट आप लोगों का कोर्स कराने बच्चे मैं आऊंगा ही, कुछ भी करके आप लोगों को पढ़ाने आऊंगा ही, ठीक है। तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जब हमने यहाँ पे ग्लैंड्स पढ़ी, हार्मोन्स पढ़े, तो न्यूरोसेंसरी कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं, जो कि रिलीज करते हैं ब्रेन हार्मोन जो कि एक्ट करता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड पे, फिर निकलता है एग्डायोसोन। जो एग्डायोसोन है वो क्या कराता है, एग्डायोसिस। एग्डायोसिस क्या होता है बच्चों, जो मेटामॉर्फोसिस होता है ये कराता है, ठीक है। तो आउटर कवरिंग की जो शेडिंग है, सॉरी आउटर कवरिंग की जो शेडिंग है उसको हम बोलते हैं एग्डायोसिस। तो ये जो एग्डायोसोन है वो एग्डायोसिस कराता है। फिर आता है नियोटाइनिन, जो कि रिलीज होता है नियोटेनिन, जो कि रिलीज होता है कॉर्पोरा अलाटा से, इसका फंक्शन क्या है, निम्फल करेक्टर को बचा के रखता है और अडल्ट करेक्टर को कंट्रोल करके रखता है। तो अडल्ट के अंदर अब ये ग्लैंड रिलीज करती है गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन जो कि रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट कराती है, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को किसी भी टाइप का कुछ भी डाउट हो तो बच्चों पूछ लो, ठीक है। ठीक है, ओके मुस्कान, पक्का कोई भी क्वेश्चन हो बच्चे तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल परफेक्शन नीट ज्वाइन कर लो बच्चों, वहां पे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा ये जितने भी पीडीएफ्स हैं ये सारे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा वहां पे। ये मेरा यूजर नेम है मोस्टली जगह पे, चिराग जैन 125। आप अनअकैडमी पे जाओ, उसको फॉलो करो, मेरी जितनी भी क्लासेस होगा उसके पास आपके लिंक्स और मैसेजेस आ जाए करेंगे अगर आप मेरे को फॉलो करेंगे तो, ठीक है। आप मुझे कहीं पे भी कभी आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जिस भी मीडिया पे जहाँ पे भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं आपको मिल रहा हूँ वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको मैसेजेस का रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर किसी भी बच्चे को प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये चिराग10 कोड आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, मैं आपको एक ग्रुप ऐड कर दूंगा ताकि आप लोग डायरेक्ट मेरी मेंटरशिप के अंदर ज्वाइन कर सके। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो।
बताओ बच्चे, डाउट डाउट वाली बात बताओ, क्या करना है बताओ। कोई भी डाउट है तो बच्चे आप भी पूछ सकते हो मेरे से, टेलीग्राम पे आप डाउट्स पूछ सकते हो, डेफिनेटली आप टेलीग्राम पे मेरे से डाउट पूछ सकते हो। डाउट्स के लिए कोई मना नहीं है बच्चे, आप कमेंट भी करोगे ना, मैं कमेंट देख लेता हूँ, एक दो दिन बाद मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ, ठीक है। सॉरी बच्चे, वो तो नहीं मिल पाएगा, मैं तो नहीं दूंगा आपको, अगर इधर उधर से ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, बट मैं ऐसे शेयर नहीं करूंगा आपको। ओपन अकाउंट है मेरा, ऐसा नहीं है, ओपन अकाउंट है मेरा, आप ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, ओपन अकाउंट रहता है, ठीक है। चलो बच्चे, बाय बाय एवरीवन, रात को 9 बजे मिलते हैं, तो सभी बच्चे रात को 9 बजे आएंगे, 9 PM शार्प, जहाँ पे हम स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ेंगे और कुछ रिफ्लेक्सेस, कुछ स्पाइनल नर्व्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और उन सबको हम देखेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं, बाय बाय, सायोनारा, लेट्स क्रैक इट।